स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून भी केवल गीता जी की आवाज आती है बस। बाकी तो सब शुरू से ही जो है मुंह पे उंगली रख के बैठ जाते हैं। कैसा चल रहा है विनोद जी? बहुत अच्छा चल रहा है। वो डिटॉक्स खत्म नहीं हो रहा है, थोड़ा सा क्रैम्प्स के साथ में बीच बीच में मोशंस फ्रिक्वेंट हो जाते हैं, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द टाइम आई एम एंजॉयिंग माय स्लीप एंड एनर्जी लेवल्स आर ऑफ कोर्स नॉट वेरी हाई बट दे आर मीडियम। मैंने खाना भी शुरू कर दिया सर, मैंगोज खाना फिर से शुरू कर दिया एंड आई एम रियली एंजॉयिंग। बेस्ट पार्ट इज दैट आई हैव स्टार्टेड स्लीपिंग, तो थोड़ा करके एंड आई एम वेरी कूल, वेरी काम, वेरी कंपोज। सर ये जो वेट रिड्यूस हो रहा है तेजी से, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है सर? शुड आई इसका कुछ? जवानी में कितना वेट था आपका? जी जब फौज में आप भर्ती हुए थे तब कितना वेट था? तब तो मैं अंडर वेट हुआ करता था, तो मुझे 3 महीने का टाइम दिया गया था। मैं 5.5 kg कम हुआ करता था, अभी तक मुझे याद है। कितना देन इट वाज आई थिंक अराउंड 49-50 के आसपास था। अभी एज ऑन डे टू डे इट इज 91। जब जर्नी शुरू की थी सर आपकी फूड जर्नी, तो इट वाज 109। और कम हो सकता है? हाँ सर, मेरा जो टारगेट है सर 72-73 हो जाएगा सर, अपने आप ही हो जाएगा। बट ओनली थिंग इज के और भी नीचे जा सकता है, लेकिन फिर वो बढ़ जाएगा, हेल्दी वेट आ जाएगा। हाँ, मतलब आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, मतलब एज इट इज अभी इतना वेट कितना कम हो गया, तो जो स्ट्रेस है बोन्स के ऊपर वो ऑब्वियसली कम हो गया, जॉइंट्स वगैरह के ऊपर। एंड आई एम रिलीव्ड ऑफ ऑल माय पेन्स। ये जो फिंगर्स हैं ये पहले यहाँ हो गई थी सर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से भी। कई चीजें तो मैंने मेंशन की भी नहीं, यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस एडवांस स्टेज में इसमें था। और ये प्रॉब्लम मेरी छोटी सबसे छोटी सिस्टर को भी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, तो ये भी चला गया। एंड दिस शोल्डर तो पूरा फ्रोजन हो गया था, आज घर बैठ के मैंने पूरा मूवमेंट किया आराम से विदाउट एनी एग्जर्शन, तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ आई कैन प्ले माई क्रिकेट ऑल्सो, आई कैन आराम से अपना है ना जो गेंदबाजी भी कर सकता हूँ दोनों ओर हाथ से, तो आई एम रियली हैप्पी एंड सिवाय ग्रेटिट्यूड के साथ आई गॉट नथिंग। नमस्कार साहब जी। नमस्ते बैजी महाराज, मेरी उम्र है 56 साल, और जब मैं सुबह उठता हूँ ना, केवल उठते टाइम दोपहर में या शाम को, रात को सुबह जी घबराता है बहुत तेज, उठते टाइम बस, और उसके बाद नॉर्मल हो जाता हूँ। आप हमसे क्या पूछना चाहते? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा जी घबराता है, मेरा मन घबराता है, मैं क्या करूँ उसमें, ये बताओ मुझे क्या करना है? उसके लिए क्या दवाई लूं? मेरे पास कोई दवाई थोड़ी है ना, मैं कोई डॉक्टर हूँ। चलो बेटा बात करो, सुन एकदम यूं कर रहे हैं, मैं कोई दवाई नहीं देता हूँ। वो फ्रूट से डाइट किसकी बताते हैं?
हैं? हाँ मेरे पास कोई दवाई नहीं है किस चीज की। अच्छा हम लोग फ्रूट्स खाते हैं उससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। फूड से आपको अभी इतनी हैवी बीमारी हुई नहीं है कि आप फूड खाना शुरू करें। जब हो जाए तब आप रोटी सब्जी छोड़ सकते हैं, फूड खाना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि यदि मैं आपसे कहूंगा कि पूरे टाइम फूड खाना है तो आपका अभी जी घबराता है, फिर आप ही घबरा जाओगे। अभी इंतजार करो आप अपने मौके का। जब आप तैयार हो जाओ मानसिक तौर पे कि हाँ अब फ्रूट्स खाना है या बीमारियां ऐसी हो गई हैं कि अब काम नहीं चलेगा, हाँ तब आप फ्रूट्स खाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है भाई जी महाराज ठीक। गौरव जी मैं बात करूं क्या? गौरव हाँ बताइए संगीता जी। जी आज सुबह से मुझे मैंने कुछ खाया नहीं है, एकदम वॉमिट जैसा प्रेशर आया, सर तक गले तक बहुत ज्यादा जलन हो रही है, आंखों के सामने सब ब्लर हो गया है, मतलब धुंधलापन आ गया एकदम से, और मेरे को कॉन्स्टिपेशन काफी कम हो गया, मेरा एकदम पेट क्लीन हो गया, लेकिन आज मैं 3 बार मोशन जा चुकी हूँ, बट इट वॉज रियली गुड, ऐसा लग रहा है कि पूरा डिटॉक्स ही हो रहा है मुझे, और यही 4-5 दिन से प्रोसेस चल रही है, थोड़ा सर में प्रेशर बिल्डअप ही हो रहा था, धीरे धीरे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि क्लीन हो रहा है बॉडी पूरा। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है वोमिट जैसे फीलिंग आ रही है, पानी भी पी रही हूँ कॉन्स्टेंट, लेकिन क्या मैं उसको बाय फोर्स निकालू क्या, या फिर अपने आप ही होने? बाय फोर्स कुछ नहीं करना आपको, अच्छा जैसा अपने आप हो रहा है वो। अच्छा तो मुझे खाने का तो मन ही नहीं हो रहा, तो अभी कैसा चलाऊं खाने पीने का सिस्टम, क्योंकि फिर नारे भूख लगेगी और फिर भी वॉमिट जैसा भी लग रहा है, नहीं खाऊं क्या फिर? ड्राई मतलब से पानी पे रहूं या फिर नारियल पानी पीती रहूं, या भूख लगी तो थोड़ा? प्लेन वाटर पीना है हाँ और कुछ नहीं खाना। अच्छा कुछ खाना ही नहीं है तो कब खाना है, क्योंकि कमजोरी तो बहुत आ जाएगी, खाऊंगी नहीं आपकी बॉडी को वोमिट आ रही है, ठीक तो। हाँ वॉमिट जैसे फीलिंग हो रही है, है। उसका सम्मान करो ना। अब आप खाने की क्यों सोच रहे हो, कमजोरी की क्यों सोच रहे हो? अरे कमजोरी होगी तो क्या होगा गौरव जी, मेरे को बीमार समझ के लोग एडमिट कर देंगे अंदर से, घर से मैं नहीं जाना चाहती, मैं बिस्तर पे रहना चाहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि अगर कमजोरी भी आई तो मुझे कोई खिलाना पिलाने वाला तो बाजू में चाहिए। आलू के परांठे खा लो आप। नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ खाना ही नहीं है, मैं मुझे मन भी नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा आप ये बताओ। आप नहीं खाओगे तो घर वाले आपको अस्पताल में भर्ती कर देंगे, खाओगे तो आपको वोमिटिंग पहले से ही आ रही है। नहीं मैं होश में रहूंगी तो मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर मैं ही खुद गल जाऊंगी और ये बाइफोन कुछ खिला दे, दवा या दे दे, मुझे सलाइन दे दे, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसको? पहले गिरो तो सही, पहले देखो ना पहले। हाँ गिरने दो, अपन गिरेंगे उसके पहले वोमिटिंग की फीलिंग चली जाएगी, भूख लगेगी आपको। अच्छा ऐसा नहीं होगा कि वोमिटिंग आते आते ही आपको कमजोरी आ जाए और गिर पड़ो, ऐसा कुछ अच्छा नहीं। अनकॉन्शियस हो जाओ, अस्पताल में भर्ती हो जाओ, वहां आपको कुछ इतना दिमाग से मत सोचा करो। पर रात में अगर रात में क्या करूं, पानी तो कंटिन्यूस पी रही हूँ क्योंकि डिटॉक्स चाहिए, तो रात में सोने के बाद भी पानी पीती रहूं क्या? नहीं, सोने के बाद सो जाओ। नींद और नींद खुले तो फिर क्या करूं उस वक्त? खुले, यदि प्यास लगे तो पानी पी लो, नहीं लगे तो फिर दोबारा सो। हाँ अगर नींद खुली है, नींद नहीं आ रही है और हिकम्स वगैरह आ रहे हैं, तो पानी पानी पीती रहूं फिर, है ना? जब तक भूख लग नहीं रही है तब तक कुछ खाना नहीं है। ओके गौरव जी, ठीक है गौरव जी। और आईज के सामने जो ब्लर हो रहा है, ये उसी के सिम्टम्स है ना? ये कुछ नहीं कह सकते, ब्लर हो रहा है आपको, हो सकता है कुछ एनर्जी लॉस हो रहा होगा भूखे रहने से। तो जब हमें ऐसी स्थिति होती है तो हमें 100% बेड रेस्ट करना चाहिए।
100% क्या करना है, उस पर भी लेटे रहना चाहिए। हाँ ठीक है ओके। आंखें भी नहीं खोलनी चाहिए, आंखें बंद रखना। अच्छा ओके गौरव जी ठीक है। इनकेस कुछ इमरजेंसी आए तो वो कोई मैसेज कर सकती हूँ क्या गौरव जी? परेशान नहीं करूंगी आप? इमरजेंसी आए तो कर दे। क्योंकि इमरजेंसी आई हुई है, देखूंगी अगर जरूरत पड़ी तो मतलब मैसेज छोड़ूंगी आपको। पानी का तो कोई लिमिट नहीं, 5 लीटर के ऊपर भी हो सकता है ना? काउंटिंग क्यों करना आपको लीटर्स की? और जो है ये सब जानकारी आप कहाँ से लेके आए? क्योंकि पानी शायद ज्यादा ही पी लूंगी 5 लीटर से भी। प्यास से कैलकुलेट करो ना अपनी, प्यास से भूख से। हमें ईश्वर ने हमें सेंस दिया है ना, हमें ईश्वर ने लीटर बना के नहीं भेजा कि इतने लीटर पानी पीना है, इतने लीटर खाना खाना है। हमें सेंस दिया है कि हमें भूख लगे तो खाना खाना, प्यास लगे तो पानी पीना है। उस सेंस का सम्मान करो आप, अपनी बॉडी का सम्मान करो। बार बार उसका अपमान क्यों करना है, उस पर विश्वास क्यों नहीं करना है, अविश्वास क्यों करना है? उसको इंसल्ट मत करो आप। प्यास लगे तो पानी पियो, नहीं लगे तो मत पियो। और सुबह की जो मेरे को दिशा भी बहुत स्मेली थी, अभी अभी नहीं है इतनी स्मेलिंग, पर फर्स्ट जब गई तो बहुत स्मेल आई मुझे, मैंने तभी सेंस किया कुछ तो रॉन्ग है, फिर उसके बाद बढ़ते ही गया। क्या बढ़ती किया? फिर उसके बाद ये वोमिटिंग की फीलिंग और ये सर में जलन, डिटॉक्स सिम्टम्स है ना, वोमिटिंग डायरिया, ये डिटॉक्स सिम्टम्स है। वोमिटिंग से कोई आपके उसमें से पपीता बाहर नहीं निकल रहा, उसमें से टॉक्सिन बाहर निकल रहा। डायरिया तो अभी तक नहीं हुआ गौरव जी। हाँ जी डायरिया अभी तक नहीं हुआ मुझे। अब हो जाएगा उस दिन, फिर आप परेशान हो गए तो जो कुछ तो बाहर निकल रहा है ना, कहीं से भी निकले उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर डायरिया हो गया तो फिर क्या करना उस टाइम पे? फिर बढ़िया निकाल के आओ, पानी पियो, निकालो। अच्छा कुछ अगर मन नहीं है तो नारियल पानी भी नहीं पीना है ना? नहीं नारियल पानी नहीं पीना होता डायरिया। हाँ सिंपल वाटर, सिंपल वाटर ओके बाबा ठीक है बाबा। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। उत्कर्ष जी आज तो आपका हाथ पहले ही उठ गया है। हाँ सर हाथ इसलिए उठा क्योंकि थोड़ा सा वरी है। अभी आपसे मैंने आपको डिस्टर्ब किया था और कॉल किया था, तो आपने कहा था सी पेप्टाइड टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और फिर मैंने आपको रिपोर्ट भेजी तो उसमें आपने कहा सी पेप्टाइड रिपीट। इसलिए बोला कि मैंने कहा एक कंपैरिजन हो जाएगा, बाकी चिंता वाली चिंताजनक कोई बात तो नहीं। बात नहीं है, केवल यह कि अपने पास जैसे दो रिपोर्ट होंगी तो तभी अपन जब उसको कंपेयर करेंगे जी, तो हमारे पास एक रिपोर्ट में कुछ वैल्यूज नहीं होंगी जी, तो हम उस समय सोचेंगे कि यार हम चेक ही करा लेते। ठीक है सर, बस यही बोल रहा हूँ और कुछ बाकी एवरीथिंग इज फाइन सर। थैंक यू सर। राजीव जी आपका क्या चल रहा है? हाँ जी नमस्कार गौरव जी, सब बढ़िया चल रहा है। कुछ बताने को ही नहीं, क्या करूं? फूड खा रहा हूँ, मौज मार रहा हूँ, क्या करूं? कुछ तो होता आदमी को, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो होता, आपको कुछ ही नहीं होता। ये पॉजिटिव हो रहा है, योगा कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, एनर्जी लेवल बढ़िया है। सुबह 4 बजे उठता हूँ मैं, 9:30 बजे सो जाता हूँ, 9:30 बजे रात को खाली दो बार तीन बार उठता हूँ यूरिन के लिए। जो आप जब आपको कितना टाइम हो चुका? मेरे को एक महीना हो गया ना, 31 दिन हो गए। 31 दिन पहले में और आज में क्या क्या फर्क आपको दिख रहा है? दिमाग एक ना पीसफुल ज्यादा खुश रहता है, एनर्जी लेवल बढ़ गया काफी, और
बाकी दवाई वगैरह छूट गई, जो दवाई खाता था वो टेस्ट रिपोर्ट करवाऊंगा, वो तो पता लग ही जाएगा 45 दिन बाद। आप दवाई क्या खाते थे राजीव जी? मैं थायराइड की लेता था और प्रोस्टेट की लेता था, मेरे को थायराइड भी थी ना, प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम थी, तो तीन तीन या चार पांच टैबलेट ले रहा था। और सुप्रीति जी के अलावा किसी को राजीव जी से कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। और वेट तो मैंने बताया ही था मेरा 82 किलो से 69 तक तो पहुंच ही गया था मैं, वही 67 से लेके 69 ही घूम रहा मेरा। ठीक है सर, आपका थायराइड कंट्रोल हो गया बिल्कुल? अब टेस्ट करवाऊंगा, टैबलेट तो मैंने पहले दिन से ही बंद कर दी थी मैंने। अच्छा, अभी टेस्ट नहीं कराया? हां, 45 डेज में कहते हैं ना गौरव जी। ठीक है, अभी 31 डेज हुए तो करवा दूंगा 15 दिन। ठीक, मैं भी कल करा रहा हूं अपना केस। अच्छा, तो 45 डेज से पहले ना करवाओ ना गौरव जी टेस्ट। हो गया मेरा कॉल पे लगते टीएसएच कराने में। हां, 100 रुपीज लगते हैं, रोज करवा लो तो भी तो बाकी भी तो करवाना है मेरा, विटामिन डी वगैरह और भी तो बड़ी सारी चीज गड़बड़ थी ना जब शुरू में भेजी थी मैंने, तो एक बार सारा कुछ कराऊं या खाली पहले टीएसएच कराऊं? दो बार ब्लड दूंगा फिर बनेगा। मैं तो कल टीएसएच कराऊंगा, उसके बाद कराऊंगा, बाकी तो मुझे पता है सब नॉर्मल है। नहीं, मेरी कई सारी रिपोर्ट जब शुरू में गड़बड़ आई थी तब भेजी थी मैंने गौरव जी को, विटामिन डी में था। और क्या है कि हम लोग टीएसएच को बहुत गलत समझते, TSH का यदि मान लो बढ़ा भी हुआ है तो उसका क्या मतलब है, या घटा हुआ है तो क्या कोई मतलब नहीं, घर वाले चिंता करते हैं रिपोर्ट देख के डॉक्टर। जैसे मान लो किसी को थायराइड की समस्या है और उसका थायराइड काम नहीं कर रहा प्रॉपरली और उसका TSH बढ़ा हुआ है, तो क्या इसका मतलब उसकी बॉडी में थायरोक्सिन की मात्रा कम है, क्या इसका मतलब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये मेरा। यहाँ पे कुछ लोग ज्ञानी भी होंगे या नॉर्मल एक एवरेज समझदारी तो सभी में, मतलब क्वेश्चन आप समझ गए? अंडरस्टूड सर। कि प्रॉब्लम है, थायराइड काम नहीं कर रहा है, टीएसएच बढ़ा हुआ है, तो क्या इसका मतलब यह है कि थायरोक्सिन का लेवल हमारे ब्लड में कम है, इतना सा क्वेश्चन। सर मेरा तो वजन बढ़ने वाला था हाइपोथायरॉइड, अब उल्टा मेरा वजन घट रहा है, चाहे आपका किसी भी टाइप का थायराइड हो सर, वो गोली तो वही लेनी पड़ती है जैसे डॉक्टर जो बताते हैं थायरोनो। नहीं नहीं, अलग होती है, हाइपरथायराइड में अलग गोली चलती है। अच्छा, मुझे नहीं पता। लेकिन 99% सबको थायरोक्सिन चलती है क्योंकि सबको हाइपो ही होता है। तो मेरे कोई क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे रहा, बताइए। पता नहीं ना किसी को। सर मैंने जैसे सर 9 months के लिए सर गोली बंद कर दी थी सर, तो सर मेरा TSH तो सर 350 चला गया था सर। हाँ, तो उसका मेरा कहना ये TSH आपका 350 हो गया तो इसका क्या मतलब है, क्या तो आपकी बॉडी में थायरोक्सिन का लेवल कम हो गया था, क्या हुआ था? सर जो T4 बोलते हैं सर, वो मतलब बन नहीं रहा है उतना, जो T4 जो गोली खाते हैं हम लोग, टैबलेट में T4 रहता है। टैबलेट में T4 रहता है, ये पता है आपको पक्का? अब यही बोला जाता है जो मैंने सुना है कि T4 रहता है, T4 इज इम्पोर्टेंट जितना मेरे को पता है सर। तीन होते हैं सर, T1 भी होता है, T2 भी होता है, T3 क्या क्या है? क्या होता है T3 और T4 का मतलब क्या है? अभी सोचा नहीं ना जानने की कोई टाइप, फुल फॉर्म याद नहीं है सर, लेकिन T4 का मतलब सर पूरा हम लोग क्या है कि कुछ को भी सुन के उसको पकड़ के फिर हम टेस्ट करा के और फिर सोचते हैं हम ठीक हो गए या नहीं हुए ठीक, और बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि अपन 2 मिनट भी उसको डिस्कशन करके समझ सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, बात करते हैं बस।
क्योंकि सामने वाले को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, दोनों डिस्कस कर रहे हैं, तो दोनों को पता है कि हम दोनों समझदार हैं, और कभी सोचा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर भी खा रहे हैं, 20 साल हो गए टेबलेट खाते खाते, काई की उनकी TSH चेक कराते हैं टेबलेट खाते, क्या होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उससे क्या होता है पता नहीं। आप ही बता दीजिए सर। TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड नहीं बनाता, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक और मास्टर ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, वो TSH बनाता है। TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज अ हार्मोन, वो केवल थायराइड ज्यादा बनाना है ऐसा थायराइड ग्लैंड को आदेश देता है, वो ब्लड में चेक करता है थायरोक्सिन का लेवल, और उसने आदेश दिया थायराइड ग्लैंड को कि भाई ज्यादा बनाओ, कम है, ठीक है। अब उसने आदेश ज्यादा दे दिया तो TSH ज्यादा हो गया, आदेश कम दे दिया तो TSH कम हो गया, लेकिन आदेश देने से काम कितना हुआ इसका कोई पैरामीटर नहीं। आपकी बॉडी में थायरोक्सिन की मात्रा कितनी है इसका TSH से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो अपन जो जांच करवाते हैं वो करवाते हैं T3, T4, TSH, जिसमें T3, T4 कभी भी एबनॉर्मल आते ही नहीं। सर मेरा आया था सर, जब मेरा मतलब बहुत वेयर आता है, 99% केसेस में नहीं आता, मेरा भी नहीं गड़बड़ आता था, TSH ही बढ़ता है। तो और TSH को हम जो है यदि हम थायरोक्सिन की टेबलेट दे तो TSH कम हो जाता है, तो डॉक्टर के लिए बड़ा समझाना इजी होता है कि भाई आपका TSH बढ़ा हुआ है, ये टेबलेट खाओ TSH कम हो जाएगा, आप सही हो गए। लेकिन हमें फायदा क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने थायरोक्सिन की तो जांच ही नहीं कराई। T3, T4 जो जांच हम कराते हैं वो T3, T4 हमारी बॉडी में यूजेबल नहीं होते, जो हम जांच करवाते हैं T3, T4 उसको बॉडी अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकती है। क्यों नहीं यूज कर सकती है, हमारी बॉडी यूज करती है T3 को, लेकिन जो जांच में T3 आता है वो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है, उससे वो बंधा हुआ रहता है, तो वो यूज नहीं हो पाता। वो बंधा हुआ क्यों रहता है कि जब हम एस्ट्रोजन खाते हैं, एस्ट्रोजन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ती है तो वो T3 को बाइंड कर लेता है, तो उसके लिए हमको क्या जांच करानी पड़ेगी FT3 की, कि कितना थायरोक्सिन हमारी बॉडी में फ्री है, उससे पता लगेगा कि आप की बॉडी को थायरोक्सिन की आवश्यकता है या नहीं। पहली बात, यदि वो आपका सही होगा तो फिर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई सिम्टम भी नहीं आएंगे, और यदि वो कम है तो सिम्टम आएंगे चाहे आप कितनी भी थायरोक्सिन खा लो, और वो कम है या ज्यादा उसका TSH से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन वो कम ज्यादा करना इजी नहीं, इसलिए डॉक्टर उसको चक्कर में नहीं डालता, वो जांच ही नहीं कराता। जैसे लिपिड प्रोफाइल में हम LDL को स्टेटिन से कम कर सकते हैं, लेकिन एडवांस लिपिड कम नहीं होते और अटैक आता है एडवांस लिपिड की वजह से, तो डॉक्टर सिंपल लिपिड प्रोफाइल करा के स्टेटिन देता रहता है और आदमी को सब कुछ होता रहता है,
प्रॉब्लम भी आती है, स्टैटिन खाने के बाद अटैक भी आता है, सब कुछ होता है, कहीं कोई रिलीफ नहीं। वो वाली जांचें कराई नहीं जाती हैं जो कि एडवांस जांचें हैं और वो हमारी एक्चुअल स्थिति बताती है। जांचें वो कराई जाती हैं जिससे दवाई खाने से जिन जांचों पे असर पड़ता है। जैसे हम यदि सिंपल लिपिड कराएंगे तो स्टैटिन से उसकी लिपिड की वैल्यू कम हो जाएगी एलडीएल की। यदि हम सिंपल टीएसएच कराएंगे तो थायरोक्सिन से टीएसएच कम हो जाएगा। यदि हम सिंपल जो है ब्लड शुगर चेक करते हैं तो ब्लड शुगर की वैल्यू अपनी ब्लड शुगर की मेडिसिन खाने से कम हो जाएगी। लेकिन डायबिटीज कितना प्रोग्रेशन कर रही है या कितना डैमेज वो कर रही है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। सर जैसे आजकल डॉक्टर्स लोग जनरली FT3 FT4 और ये कराते हैं सर आजकल तो? हाँ, तो कई लोग कराते हैं और कई लोग उसके आगे के भी टेस्ट कराते हैं। सर जैसे ये आपका ये एंटीबॉडीज भी कराते हैं सर? हाँ, 99% केसेस में नहीं होती चाहिए। और गौरव जी, हमें FT3 करवाने की जरूरत है खरीद TSS? अपने को तो गेम खेल लेना, अपने को देखो जिसको जवाब देना उसको TSS नहीं समझना आएगा, अपन ठीक है। तो अपने को तो लोगों को जवाब देना है, आपके डॉक्टर को भी TSS समझ में आएगा, घर वालों को भी TSS समझ में आएगा, रिश्तेदारों को भी TSS समझ में आएगा। गौरव जी आप कौन से डॉक्टर हो, ऐसा तो कोई भी डॉक्टर नहीं समझाता है आपके लिए सर। मैं डॉक्टर हुई नहीं ना, पेशेंट। तो क्या मतलब आपका एजुकेशन क्या है वो बताइए ना प्लीज, इतना नॉलेज कहाँ से लिया आपने? नहीं, एजुकेशन नहीं है, जीरो एजुकेशन है, ऐसे नहीं हो सकता है, बताओ ना सही। नहीं नहीं मेरी बात ही नहीं है, मैं तो मतलब नहीं है एजुकेशन। तो फिर कैसे आया इतना नॉलेज आपके पास? किताबों से मिलता है नॉलेज, किताब पढ़ो नॉलेज आ जाएगा। अच्छा, नॉलेज के लिए डिग्री थोड़ी चाहिए होती है। मगर साइंस के स्टूडेंट तो होंगे ना? नहीं मैं नहीं हूँ साइंस। साइंस के स्टूडेंट भी नहीं हो, क्या बात है। और गौरव जी, कल मेरे को बहुत सर दर्द हो रहा था, कल दो तीन लोगों से सुना ना सर चक्कर जैसा होता है, कल मुझे हो रहा था। फिर मैंने 8:30 बजे खाना खाया, मतलब आम खाया, 4 आम खाया, फिर सो गई, फिर 3 बजे उठी, इतना सर दर्द, इतना सर दर्द। फिर मुझे जब भी सर दर्द होता है ना तो जिंजर का ड्राई पाउडर होता है ना, तो वो मैं नोस्ट्रिल में रखती और जोर से स्नीज करती हूँ तो सब कचरा बाहर निकल जाता है। तो किया तो बहुत अच्छा लगा, मगर बहुत अक्सर है वो। काम बंद कर दो आप। वो नहीं करूं तो सर हेडवेट से सब में से निकल गया कफ। देखो सिर का जो दर्द है वो हमारा डिटॉक्स सिम्टम है। हाँ, और जिंजर जो है वो टॉक्सिन है। अच्छा, मगर खाया थोड़ी है, खाली नहीं स्मेल किया। खाया नहीं है ना, स्मेल किया है ना, तो वो भी डिटॉक्स को रोकता है। अच्छा, सर का दर्द जो है हमको जो फल खाने से हो रहा है हमारे फायदे के लिए हो रहा है। मुझे कुछ निकल तो नहीं रहा था सर, खाली हेडेक हो रहा था। हाँ तो वो हो जाता है सबसाइड। तो मेरा फैन चलाने से हेडेक हो जाता है, ये आईब्रोज है ये हैवी हो जाती हैं, तो मैं ये बिना फैन के ही रहता हूँ सर, तो फिर लोगों को वो भी अबनॉर्मल लगता है सर। मेरे से भी कल फैन नहीं, मैं सन पर का मैंने भी कल फैन पूरी रात बंद किया। लाइक कार में भी एसी नहीं चलाता हूं सर। नेचुरल लोग होते जा रहे हैं ना, उन लोगों फैन में भी क्या जरूरत है, अपन खुद ही फैन है। बस अब म्यूजिक चाहिए और इतनी यहां गर्मी पड़ रही है, म्यूजिक चाहिए, कोई फैन एसी नहीं चाहिए सर। आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। और सर केमिस्ट्री सर मैंने भी पढ़ी हुई है, अब मैं रिसर्च करूंगा सर क्या होता है थायराइड वायरस आप बता रहे हो, बट जैसे लोग डाउट कर रहे हैं सर आपके ऊपर, मुझे डाउट तो नहीं है बट यू आर वेरी लॉजिकल, और रिएक्शन समझने के लिए केमिस्ट्री की से कोई ज्यादा कोई जरूरत नहीं, कोई साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं, जो टॉपिक समझना है ना उसी को समझो बस।
और जो डॉक्टर जो लिखते जाते हैं प्रेस्क्रिप्शन से कोने तक भरते जाते हैं, फिर पिछला वाला कोना भी भर देते हैं, लिखते ही जाते हैं, तो क्या क्या लिखते जाते हैं। एक मिनट आप लोग डिस्कस करो, मैं एक मिनट गौरव जी, बारिश हुई गुड़गांव में? बहुत अच्छी बारिश हुई दिल्ली में। यस यस यस, मैं तो उसी दिन फोरकास्ट कर दिया था होगा, बहुत बढ़िया मौसम है। हाँ बहुत बढ़िया। आपका सर क्या हुआ प्रोस्टेट का, जो यूरिन रिटेंशन जो है, मैंने आपको है ना, मैं ट्राई कर रहा था एक छोटा सा वीडियो भेजने के लिए, यू मस्ट ट्राई इट। आप थोड़ा हंसोगे, मैं थोड़ा यहाँ इस फोरम पे आपको दिखा नहीं सकता, बट ये जो रिटेंटिविटी है जो ब्लैडर में व्हेन यू आर पासिंग यूरिन, दैट इज वेरी डेंजरस। प्रोस्टेट का सबसे बड़ा जो एडवर्स इफेक्ट वो है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट पेन्स। मेरा जो डिटॉक्स फेज है जो इतना पेनफुल हुआ है, इट बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेट। एंड प्रोस्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर वी मैन, एटलीस्ट वी इंडियंस, और जितनी भी वेस्टर्न मेडिसिन हैं, इनके जो सोल टारगेट है हमारा वो है प्रोस्टेट ही है। एंड इस वाको मैंने पहले भी बताया था, करना आपको कुछ कुछ नहीं है, सिर्फ अपना एक रबर बैंड ही है ना उस टाइम पर, आप कान पे बांध दिया करो, जैसे जनेऊ का प्रेशर होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप जनेऊ पहनना शुरू करो, लेफ्ट राइट कौन सा, ये सिंपल जैसे होता है ना इसका, एंड जस्ट ट्विस्ट इट, आपका पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा, अदरवाइज आप बैठे रहोगे होगा नहीं, और फिर 15-20 मिनट हो जाते हैं, फिर विद कंप्लीट इवैक्यूएशन यू विल नेवर फील। हां पेन भी होती है जैसे लगता है कुछ, कई बार जबरदस्त पेन होती है। हां जब आप डिटॉक्स फेज में, मेरा तो इतना एक्सट्रीम पेन था जैसे कोई कीलन ठोक रहा है, और मेरा तो करीब 9 दिन तो बहुत ज्यादा हुआ, फिर धीरे 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 कम हुआ। और ये पेन रात को होती है, मैंने नोटिस किया, दिन में यूरिन करता हूं नहीं होती है, रात को इट इज अनबियरेबल, क्योंकि आपकी नींद भी आ रही होती है उस टाइम पे। दो बार उठता हूँ, कभी 1:30 बजे उठता हूँ, कभी 2:30 बजे उठता हूँ, कभी 11:30 बजे। जैसे कल मैं बताया था, मैं 27 बार उठता था, 10 बजे का 6 बजे तक का मेरा फ्रेम था, 27 times। तो घर वाले परेशान हो गए थे, वो कहते थे सर्जिकल यू हैबिट रिमूव, और मैं थोड़ा सा 27 बार तो काफी है, परेशान ना छुट्टी। I don't believe in surgeries, especially prostate, you should never have it removed. मेरे को 1.5-2 साल हो गए, पर दैट इज अ साइन ऑफ आवर मैनहुड, वी इंडियंस यूनिक है, हम लोगों का डीएनए इंडियंस का। एंड वन थिंग दैट यू शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर इज अबाउट द प्रोस्टेट, एंड मेरा अपना है ये, जो भी मेरी अपनी छोटी मोटी रिसर्च है। मैंने सात्विक मूवमेंट और नेचुरल लाइफस्टाइल वगैरह सब कर रहा था, पर प्रोस्टेट नहीं मेरा ठीक हो पा रहा था। प्रोस्टेट ठीक होगा नहीं, इससे ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरा 100% ठीक हो गया होगा, बट 75% आई एम रिलीव्ड। And the initial stages were for this complete evacuation, and is a very important thing because bladder mein accumulate hoga urine aapke, and then lot many things, infection, urine, UTI and all that. Phir doctors ko tarah tarah ka naam bhi dete rahenge, and it affects your overall system, aapka pura jo nervous system hai, aapke puri jo intestine. Abhi jo abhi bhi mera wo problem hai, jaise intestine khinch rahi hai puri. Baitha hua hu, mujhe bataya main kaise baitha hua, mushkil se baitha hua. But I'm not used to it, I'm enjoying. कब तक होगा दर्द, होता रहेगा। Now today is I think 19th or 20th day. मैं तो अपने days है, today is my 49th day of fruit journey. वो तो मैंने भूल गया 49 का आंकड़ा। मैं तो अपना है ना detox phase का 19th day देख रहा हूँ। But fruits really मतलब they will do wonders. अभी गौरव जी आ गए हैं at least इस टाइम। हाँ। क्या बात कर रहे थे तुम? पीयू जी आपके क्या हाल है? माइक ऑन कर दो। राजीव जी आप ना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिएगा, मैं उसको डायरेक्ट वीडियो भेज दूंगा एक छोटा सा, इट विल वेरी यूजफुल टू यू। चैट में डाल दो। हां मुझे डायरेक्ट डीएम कर देना, डायरेक्ट मैसेज कर। ठीक है, डोंट शेयर इट ऑन द प्लेटफॉर्म। पीयू जी आपका क्या चल रहा है? आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा
आज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन ये समझ में आया कि आपने मेडिसिन बंद नहीं की है, लेकिन यू आर स्टिल फीलिंग बेटर। या रिपोर्ट तो अच्छी आई है, फीलिंग बट मैंने तो बताया है मेरे साथ जो ब्लड क्लॉट हुआ है तो थोड़ा घर वाले भी मुझे पकड़ के बैठे हैं कि तो थोड़े ही मेडिसिन। जो चीजों को मेडिसिन मानते हैं ना, वो मेडिसिन नहीं है, वर्ड एक्चुअली गलत यूज करते हैं। देखो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम मौत का भय अपने मन से निकाल देते हैं तब हीलिंग आती है बॉडी में। और एक बार जो है फ्रूट खाने में मौत के दर्शन जरूर होते हैं, ऐसा लगता है कि अब बचेंगे नहीं। हाँ सर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो फेस यदि आप निकाल ले जाते हो, वो अंधेरी रात यदि आप निकाल लेते हो तब सुबह होती है। और यदि आप वो डर जाते हो कि नहीं मुझे मरना नहीं है तो फिर आप उसे बचा नहीं सकते। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने ये फेजेस कई बार देखे, मैंने जब कई चीजें मैंने अपने ऊपर ट्राई की बॉडी पे, तो वो ट्राई करने के लिए मैं बहुत एक्सट्रीम पर गया। मैंने वाटर फास्टिंग ट्राई किया, पानी नहीं पिया, तो पानी नहीं पीते पीते लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, बचूंगा या नहीं बचूंगा। लेकिन मैंने कहा ट्राई करना है तो अब फिर मेरे को छोड़ना पड़ेगा, जो होगा देखना। चलिए मैं अभी 2 मिनट में कनेक्ट होगा। राजीव जी आप कब से ले रहे हैं थायराइड का मेडिसिन? थायराइड का मेडिसिन तो मेरे को काफी साल हो गए, 8-10-12-15 साल हो गए। आप भी सात्विक का किए थे क्या? सात्विक का भी किया, नेचुरल लाइफस्टाइल का भी किया मैंने। 9 महीने से मैं लगातार कर रहा हूँ, खाली एक बार खाना खाता था दोपहर को। वो भी मैंने भी किया था एक बार। मेरा वेट 82 से 69 तक आ गया था मेरा। अच्छा, अब इसलिए मेरा वेट अब जारी रखो कि जितना जाना था काफी जा चुका था पहले। हाँ, वो तो मेरा भी ऐसे ही है अभी तो। और भी काफी सारी चीजें ठीक कर चुका था, पर कुछ चीजें फंसी पड़ी थी मेरी, फिर मैंने फ्रूट पे आ गया। तो आपका थायराइड भी ठीक नहीं हुआ था? वापस आ जाता था थायराइड। अच्छा, एक बार ठीक होता था फिर दोबारा आ गया, तो 3 बार ऐसे ले रहे थे क्या उस समय? नहीं, जैसे छोड़ता था ना। अच्छा, वापिस आ जाता था। मैं तो 8-9 महीने से ट्रैक कर रहा था उसको, टेस्ट भी करवा रहा था बार बार, और दवाई बंद करके भी देख रहा था। फिर गौरव जी से बात हुई तो कह रहे फ्रूट वाला तुम करो ट्राई। ठीक है, मेरी तो 18-20 टैबलेट्स होती थी किसी टाइम पे ना। अच्छा, काफी सारी तो उड़ा चुका था मैं, कुछ चीजें बाकी बची रह गई थी। मेरी टैबलेट देख लीजिएगा। आपका डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल है क्या? आप उससे पूछ रहे हैं? नहीं, उत्कर्ष जी से पूछ रही हूं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सॉरी मैडम, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है एज ऑफ बिकॉज़ कि वो रेंज से तो ऊपर जा रहा है, 1-200-210 यदि आम नहीं खाओ तो 190, बट ये दवाइयां मैंने छोड़ रखी हैं, पहले भी मेरा यही रहता था, तो उस हिसाब से मैं कंट्रोल सर बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा इस चीज को, तो एक तरह से कंट्रोल्ड है पर नहीं है वाली सिचुएशन है। नाउ द रेंज इज सेम, जब मेरे को इंसुलिन लगती थी तब भी मेरा 190-210 आता था, अभी मैं दवाइयां नहीं ले रहा हूँ, इंसुलिन नहीं लगा रहा हूँ, तब भी मेरा यही रेंज आ रहा है। आप
बिना दवाइयों के भी दैट मींस आप जो जितना नॉर्मल पहले थे उतने ही अब हो बिना दवाई। हाँ बट पहले क्या होता था, यदि मैंने दवाई नहीं ली है, इंसुलिन नहीं लगाया है, टूर पे हूँ या किसी कारण नहीं लगाया है, तो मेरा 300, 350, 360 यदि मैंने मीठा खा लिया, कहीं डिनर कर लिया, ये कर लिया है, वो कर लिया है, तो होता था। अब वो रेंज नहीं है। तो मतलब दवाइयों के साथ जितनी नॉर्मैलिटी थी उस पर आप आ गए हो। हाँ आप नॉर्मल रह रहे थे। बिल्कुल वो सही है। ठीक, तो मतलब बिल्कुल गौरव जी कह रहे हैं बिल्कुल भी दवाइयां बिल्कुल छूट जाएंगी, बिल्कुल मतलब नॉर्मल पर आ जाएगा। हाँ, सर ने बोला है बिल्कुल नॉर्मल पिला देंगे। ठीक ओके थैंक यू। 140 आ गई तो भी आई एम हैप्पी। हाँ 140 भी नॉर्मली गिना जाता है हमका। विनोद सर आपको कितना डायबिटीज था जब आपने स्टार्ट किया था, मतलब आज से 50 दिन पहले? आप मेरे से पूछ रहे? हाँ सर, कितना था आपको, कितना था? With the tablets, मेरा fasting होता था 150-160 और PP जो था postprandial वो 260-270 और ये tablets 260-270 हाँ जी। उसके बाद मैं टैबलेट करता गया शुरू में, जैसे जब मैंने फ्रूट जर्नी शुरू किया था जी, तो एकदम तो ड्रॉप हुआ नहीं। अब मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इनसे पूछने वाला हूँ गौरव जी से। It was 150-140 आज का रीडिंग मेरा 81 है फास्टिंग का जी। और जो पीपी का रीडिंग है वो 98 है, तो मैं पूछ रहा था कि इसका जो लोअर रेंज है जी। हाँ तो इतना ज्यादा रहता था मेडिसिन के साथ भी जी, अभी उल्टा काफी तेजी से नीचे गिर रहा है जो ब्लड शुगर लेवल भी है। मैंने सोचा शायद मैंने आम खाना बंद कर दिया है इसलिए ड्रॉप हो गया होगा। कल मैंने आम भी बहुत खाए और आज कोई 12 घंटे का गैप भी नहीं रखा, शायद 9 घंटे के बाद ही मैंने ले लिया। तो मेरा फास्टिंग का जो आज का रीडिंग है, मेरा पूरा टेबलेट ये है ग्लूकोमीटर रीडिंग का पूरा चार्ट है पूरा 3 महीने का और फूड जर्नी से हुआ है। तो धीरे धीरे 140-130-120 सडनली ये 3-4 दिन पहले ही 82-83 पर ड्रॉप हो गया है फास्टिंग का। मेरे को पहले जब मैं इंसुलिन लेता था तो हाइपो हो जाता था, हाइपो मींस ड्रॉप टू 60। इंसुलिन लिया, खाना भूल गया, कोई कॉन कॉल आ गया, कुछ हो गया, लेता हूँ 10 मिनट करता हूँ, 15 मिनट करता हूँ और वो 1-2 घंटे जो गया सीधे 50-60 चले जाता था 60। उस समय बहुत मतलब तुरंत मीठे में मेरे पास आई ब्रिंग ऑलवेज 1 चॉकलेट 5 स्टार या कुछ या ग्लूकोज, वो मेरे वॉलेट में रखा हुआ है ग्लूकोज एंड ऑल दिस, कई बार यूज किया है मैंने। आप टचवुड यू आर वेरी वेरी एक्टिव। मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मैं चल नहीं सकता था, मैं जैसे अभी बैठा हुआ हूँ वैसे ही बैठा रहता था चेयर पे या चारपाई पे। डॉक्टर्स यही स्ट्रेस करते थे कि यार आप चलोगे नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे जी, तो आपका ये शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगा। दे वर राइट सर, चलना फिरना तो मेरा भी नहीं होता, ये सीट पे बैठे बैठे सुबह 9 से शाम को 7 कब बज जाते हैं पता नहीं चलता। अदरवाइज यू हैव टेकन अ वेरी बोल्ड डिसीजन एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने ऐसा एकदम छोड़ दिया। सेम थिंग आई आल्सो ड्रीम ने जो होगा जाएगा जो देखा जाएगा। मैंने बोला मैंने ये सोचा इंसुलिन के बाद 210 आ रही है तो फिर मेडिसिन का फोबिया है, ये पूरे भरे पड़े हैं ऐसे 6 पैकेट है मेरे पास एंड तो मुझे है ना इनका मेडिसिन से देख करके मुझे डर लगता है। दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री माई सेल्फ, देखता रहा हूँ डॉक्टर्स के बीच में रहा हूँ और मेडिसिन जहाँ देखता हूँ तो एक अब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट माइंड पे जरूर हो गया। एंड आई डोंट नो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये फ्रूट्स से इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। रिजल्ट्स तो मेरे भी अमेजिंग है, मतलब मेरे को डायबिटीज में नो डाउट थोड़ा सा वो है, बाद में हो जाएगा, बट बाकी मेरे पर भी हो जाएगा। आईज पे मेरा बहुत वो पड़ रहा था, बहुत ज्यादा मेरे को ताकत लगे, वो अचानक से मेरे को याद, मतलब आज या कल ही मैं याद कर रहा था कि यार मेरी आंखों में बहुत तकलीफ रहती थी, वो अपने आप दूर हो गई ऐसा मुझे लगा। बहुत अच्छा विदाउट चश्मा, मतलब मैं अपने स्पेक्स यदि भूल जाता था तो कार से वापस घर लेने गया हूँ कई बार, अभी ये हो रहा था 3-4 महीने से, अब कोई भूल गया ले आया ठीक है लगा लिया टाइप हो रहा है। उत्कर्ष जी आप कुछ उन लोगों में से हैं जिनको मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, द वे यू स्पीक एंड ऑल दैट अबाउट इलनेस ना, आधी बीमारी तो आपको जो सुनने वाला है उसको पता चल जाता है कि बीमारी हार जाएगी इनके सामने। कुछ लोगों को तो होती नहीं इतनी बीमारी, वो बोलते इतना पेनफुली है कि ना हो बीमारी तो उनके ऊपर हावी हो जाएगी,
एंड सेड यू आर वन ऑफ दोस ना हु हैव इंस्पायर्ड मी, जब मैंने देखा कि इतना आप डोज लेते हो और एकदम आपने छोड़ दिया, दैट वाज रियली अ वेरी 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 बोल्ड डिसीजन. बीमार आदमी का क्या है, जैसे परेशान आदमी ना ज्योतिषों के पास भागता रहता है, उधर उसको दिखा इसको दिखा इसको दिखा, ऐसे ही बीमार आदमी का है. मेरा भी वो पता नहीं क्या दिमाग उस समय बैठ गया तो बैठ गया, अदरवाइज मैं डॉक्टर के मामले में वेरी पर्टिकुलर, मतलब बेस्ट टू बेस्ट. एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव है जो की बहुत एजेड है, तो कोई भी कंसल्ट कोई भी डॉक्टर जो है वो बताते हैं बेस्ट होता है, और उनका रेफरेंस दे के पहुंचना और ये करना वो करना. इंदौर में ये सब हो गया, आपको टाइम लेना पड़ता है, 3 दिन 2 दिन का वेटिंग मिलता है, ये सब इंदौर में है, तो मैं वहां तक पहुंचना उन तक और ये सारी बेस्ट टू बेस्ट अप्रोच करता हूँ. सारे डॉक्टर्स जो मेरे थे अभी तक वो मध्य प्रदेश के, मतलब MP के सबसे वो थे, बट मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा था. मेरे को लगता था कि मैं बेस्ट डॉक्टर के पास जा रहा हूँ एंड क्योर होगा, बट रिलीफ मतलब चीजें बढ़ी रही थी, मेडिसिन बढ़ रही थी, डोजेस बढ़ रहे थे. एक चीज है उत्कर्ष जी, अभी तो जब आपका कंट्रोल में हो गया, आप जब पेपर्स पढ़िएगा जो आती रिपोर्ट्स आती है ना अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की, उसमें इतना कंट्राडिक्शंस मिलेगा आपको कि इतना, सबसे अगर कोई फेक इलनेस अगर है जी तो वो है डायबिटीज, जो type 1 diabetes, type 2 diabetes. नाम दे हैव कम टू दिस के उसका मीन निकाल लीजिएगा फास्टिंग का. जब हम आर्मी में अपना जो UPSC क्वालिफाई करके गए थे तब ये फास्टिंग नहीं हुआ करता था, तो देते थे. देन इम्प्योर ग्लूकोज टॉलरेंस इशू हुआ, फिर अलग अलग नाम. अगर आप फास्टिंग का और अपना जो PP का मीन निकाल के देखोगे, अगर वो 280 से और नीचे आ रहा है तो आपको डायबिटीज की कोई मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है. पर जितने भी ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है जो दे डिक्टेट देयर टर्म्स, इनके जितने भी हेड्स हैं वो सब के सब जो है वो कंपनियों के मालिक हैं, हैविली पेड. आपने देखा नहीं डॉक्टर्स के पास में जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की भीड़ लगी रहती है, दिस मेडिसिन दैट मेडिसिन. अरे सर मैंने बहुत क्लोजली, अभी मेरा डिपार्टमेंट या वो मैंने चेंज कर लिया, नहीं तो मैंने बहुत क्लोजली जब मैं डायरेक्ट ब्रांच बैंकिंग में हुआ करता था, बड़े बड़े डॉक्टर्स को जो है चेक्स वगैरह ये जो सारे हॉस्पिटल से उनको प्रॉपर रिम्यूनरेशन के नाम पे सब कुछ मिलता था, वो चेक्स वगैरह आते थे एंड मैंने उनको बहुत क्लोजली वॉच किया है. आप यदि टेस्ट कराते हैं तो उसका परसेंटेज जाता है, आप एडमिट कराते हैं तो परसेंटेज जाता है, देन फॉरेन ट्रिप एंड एवरीथिंग आई नो दैट. मेरे को पूरा की पूरा सर्कल पता है मेरे को. It is all commercial. मेरे को वो चेन पता है उसके, वो जो दुकान में के उस हॉस्पिटल डॉक्टर के आगे जो हॉस्पिटल वो मेडिकल शॉप है उसकी दवाइयां सिर्फ उसी में मिलेगी, बाकी और कहीं आप पूरे जगह पे ढूंढ लो नहीं मिलेगी, केवल उसी दुकान पे मिलेगी एंड ऑल. और मैं मजाक में कहता तो हूँ, जब उनकी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप होती है ना, कोना तक भर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड तक आएंगे यहाँ तक, और फिर और पीछे करके गोल करके पीछे की तरफ चलते ही जाते हैं. पर वो पता नहीं उनका वही स्टीरियोटाइप, वही उनकी जो पेन ज़्यादा चलता है वो डिस्क्राइब तो कर नहीं पाते जो भी है. पर एनी वे हाई रिगार्ड्स फॉर डॉक्टर्स, मैं कोई डिमीन नहीं कर रहा हूँ प्रोफेशन को, दिस इज व्हाट दे हैव बीन टॉट. और गौरव जी का, मैं गौरव जी को भी जानता नहीं, कभी मिला नहीं, कभी इनका नाम भी नहीं सुना था. आगरा में पोस्टेड रहा, ग्वालियर एक दो बार कभी गया हूँ, तभी भी कोई नाम मैंने सुना नहीं था. मैं जाऊंगा वो एरिया, मेरा ही ग्वालियर जो है वो मेरा एरिया है एक्चुअली. मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, मैं प्रॉपर मथुरा में तो इन्वाइट किया हुआ है, आप आइएगा. मैं तो प्रॉपर गोकुल का रहने वाला हूँ, गोकुल क्षेत्र में मेरा गाँव है, ब्रजभूमि प्रॉपर जन्मभूमि. लॉट ऑफ डिफरेंस, मथुरा में भी वृंदावन अपना अलग है जी. जो कंस के दर्शन करने हैं तो उसके लिए मथुरा आ जाइएगा, बट आपको इफ यू रियली वांट टू फील व्हाट कृष्णा एंड स्पिरिट ऑफ कृष्णा इज, यू मस्ट कम टू गोकुल. बाल्यावस्था में ना जो रियलिटी जो है वहाँ की वो आपको मिलेगी. यमुना के तट पर अगर आपको एक्चुअली कुछ फील करना है, स्पिरिट ऑफ कृष्णा अलाइव, कृष्णा वॉज नेवर बॉर्न, बट इट इज स्पिरिट ऑफ कृष्णा सिर्फ हम इंडियंस के लिए है, इट इज वेरी वेरी यूनिक. तो अगर आपको वाकई में ही फील करना रमन रहती है या इसका गोकुल का, वहाँ वृंदावन का नहीं, वहाँ आइएगा रात में, यू विल फील इट, देयर इज सम डिवाइन स्पिरिट इज देयर. और कभी आइएगा उत्कर्ष जी, आप ठीक हो जाओ बिल्कुल आइएगा. ठीक है सर, मेरा तो चलता है, ये तो चलता ही रहता है, नौकरी तो करनी ही. अभी कल ही मैं टूर पे गया था वापस, अभी 2 दिन दैट साइड ना, देयर सुप्रीम डिवाइन दिस इज देयर, एंड वी इंडियंस आर वेरी वेरी लकी, वी आर वेरी वेरी लकी. एंड
हम लोगों को सिर्फ है ना एक जो चेन में एक जो है लाइक गोयल जी टाइप को स्पिरिटेड सोल आ जाना चाहिए, एंटायर चेन गेट यू कैन से एक्टिवेटेड, एंटायर चेन गेट्स एक्टिवेटेड एंड ऑल दैट. हम बेवकूफों की तरह फॉरेन कंट्रीज भागते रहते हैं. आई सर्व्ड विद दिस फॉरेनर्स ईस्ट यूरोपियन ओरिजिन से लेकर के मेरा डिपार्टमेंट या मेरा जो कार्य क्षेत्र ही है मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ. मैं बेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई हैव वर्कड इन, नॉट दैट कि दे डोंट हैव द ब्रेन्स, बट व्हेन वी जो हम अपना उससे कंपेयर करते थे ये हमारी कॉपी करते हैं, पता नहीं हमारे अंदर क्या इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो इंग्लिश नहीं आ रही है और हिंदी नहीं आ रही है, वी गेट जंबल्ड अप. कभी आपने कभी देखा है किसी इंडियन को जो इंग्लिश जो अंग्रेज हैं जो गलत हिंदी बोलते हैं उस पर हंसते हुए या उनका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हुए? हम तो इच के बदले आर कोई बोल देता हा 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 करके हटा, इसको इंग्लिश नहीं आती है. दैट्स द थिंग दैट इज बगिंग अस. तो आपका तो कॉन्फिडेंस लेवल देख करके मैं समझ गया कि इसको तो कोई कुछ हो नहीं सकता है आपको. नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ मेरे को गोलियों दवाइयों से पीछा छुड़ाना था बस. मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अभी जैसे मैं अपने हॉस्पिटलाइजेशन मेरा काफी रहा है, इलनेस मुझे पता है. कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनके बोलने के ढंग से ही पता चल जाता है कि वो कब ठीक हो रहे हैं कब ठीक नहीं हो रहे. आई वॉज डाउन, आई वॉज अदर वे राउंड. मैं बिल्कुल सबड्यूड था, मुझे पता ही चल रहा था क्या हो रहा है, बट लकीली माई दिस इंटेलेक्ट्स वर वर्किंग, अदरवाइज आई वुड हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ आर्मी. तो मेरा वैसे काम में एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट डिसाइड द पॉइंट, बट आई एम हैप्पी. थोड़ा सा क्या होता है उत्कर्ष जी कि जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको एक टाइमलाइन देते हैं कि इतने दिन में वो ठीक हो जाएगा. तो वो टाइमलाइन दो चीजों पर डिपेंड करती है कि एक तो एक एक्सपेक्टेड डेट कि भाई इतने दिन में डायबिटीज ठीक हो जाती है. अच्छा. दूसरा क्या होता है कि यदि हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि एक साल में ठीक होगा तो वो हो सकता है आए ना, तो वो टाइमलाइन थोड़ी सी ऐसी भी होती है कि सामने वाला सोचता है कि हाँ चलो इतना मैं कर सकता हूँ. जी सर, मेरे को एक दूसरी बात पूछनी है. सर मेरे को पूछना है सी पेप्टाइड टेस्ट में 1.99 जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है? ठीक है, ये हैवी हो जाते हैं, नॉर्मल रेंज में है. हाँ नॉर्मल रेंज रेंज रेफरेंस रेफरेंस रेंज इज 1.10 टू 4.40 तो है तो नॉर्मल रेंज में, बट दिस इज क्रिटिकल यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं नॉर्मल है, परफेक्टली नॉर्मल है, नॉर्मल है, बीच में है. वो क्रिटिकल तो तब होती जब बाउंड्री कोई भी टच कर दे. ठीक है, हम बीचों बीच हैं, उसका कोई यूज नहीं है. लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई टेस्ट हमें बाद में लेटर ऑन हमें लगता है कि यार हमें करा लेना, आज उसका यूज नहीं है जी, लेकिन लेटर ऑन वो यूजफुल हो जाती है वैल्यू, क्योंकि आज हमें पता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दो महीने बाद हो सकता है कि हमें आवश्यकता पड़े कि हमें पता होना चाहिए था कि क्या हुआ, बड़ा घटा कुछ तो होगा ना, कुछ तो चेंज आएगा जी. तो इसके लिए कराने में कोई नुकसान नहीं होता, ब्लड टेस्ट कराने में कभी किसी को कोई नुकसान होता नहीं है. नुकसान जो भी होता है दवाइयां खाने से होता है, और जो दवाई कंपनियां हैं और जो ब्लड टेस्ट करने वाली कंपनियां हैं उनका बहुत ज्यादा कोई सिंक्रोनाइजेशन है नहीं, इसीलिए वो ऐसे ब्लड टेस्ट हो जाते हैं जो बड़े एडवांस हो जाते हैं और फिर वो उनके उनको ठीक करने की कोई दवाई भी नहीं होती है, तो वो डॉक्टरों के लिए भी एक सिर का दर्द हो जाते हैं वो ब्लड टेस्ट. अरे सर ये आपने थायरोकेयर से ये सी पेप्टाइड कहा था ना, उसको सी पेप्टाइड के लिए कहीं से परमिशन लेने पड़ी और कहीं से आया दूसरा दिन आदमी उसके लिए सी पेप्टाइड ही टफ था. मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ब्लड टेस्ट तो सारे हो जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ क्या होता है कलेक्शन सेंटर होते ब्लड के, और दिल्ली बॉम्बे में
जो वर्ल्ड की बेस्ट मशीन्स हैं वो लगी हुई है। तो अपना इंडिया इतना एडवांस है कि कोई भी मशीन बनेगी तो इंडिया में कहीं ना कहीं एक लोकेशन पे आ जाएगी, और बाकी सब जगह मशीन लगानी नहीं है, केवल सैंपल कलेक्ट करके भेजना है। तो इस वजह से ब्लड टेस्ट हो जाता है, लेकिन बाकी चीजें कुछ नहीं होती। सर ये एडवांस लिपिड प्रोफाइल में क्या आता है? एपोलिपो प्रोटीन्स होते हैं, एपीओ, वो तो आपके हुए हैं। एलपी आपका था क्या सर? मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी 1.4 में आ जाए, 1.4 में आ जाए, उसमें 1.4 में सिस्टेटिन सी भी आ जाएगा, तो किडनी विडनी पे भी यदि कुछ फर्क पड़ रहा होगा तो मुझे। ठीक है सर, मैं करवा के देता हूँ आपको। थैंक यू सर। प्रियंका तनेजा, आपका कुछ क्वेश्चन था? हाँ सर, तो मुझे विजडम टूथ है इस तरफ, काफी पेन हो रहा है सर, 2-3 साल से वो चल ही रहा है कि उसको निकालना है। हेलो, सुना मैंने सर, तो उसकी वजह से ना लेफ्ट हैंड साइड पूरा हेडेक हो रहा है और काफी थ्रोट पेन हो रहा है। कितने दिन से हो रहा है सर? ये तो कल से स्टार्ट हुआ, अभी फिर से, मतलब मैं इसको 2 ईयर से डिले ही कर रही हूँ, मैं वो निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं वो निकालना ही एक सोल्यूशन होता है। हाँ तो अब डिले किया है ना, तो अब एक हफ्ता और डिले कर लो। अच्छा, मतलब एक हफ्ते बाद निकाल दूँ, वही एक सोल्यूशन है? हो सकता है कि ठीक ही हो जाए। हाँ हाँ, मतलब वो पूरा आ जाएगा बाहर मोलार से? नहीं, कुछ हीलिंग हो जाए, पेन कम हो जाए। वो तो हर बार होता है क्योंकि मैंने हर बार यही सोल्यूशन ट्राई किया है, उन्होंने जो भी पेन किलर वगैरह मैंने कभी नहीं ली है, तो 2 दिन में मैं उसको बैर कर लेती हूँ और फिर 3rd डे में ठीक ही हो जाती हूँ। तो सर उसको मतलब ऐसे ही रिटेन करते रहूं या क्या, उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालू? परमानेंट सोल्यूशन कुछ नहीं है। Usually, sir, doctors बोलते हैं उसको निकालना ही एक बेस्ट सोल्यूशन है। और सर मैंने लास्ट वीक में एक वीडियो देखी थी कि रूट कैनल, हाँ, 2 साल पहले से आपको प्रॉब्लम है, अभी आप फूड डाइट पे हो। जी, फूड डाइट में भी क्या होता है, टीथ सबसे आखिरी में हील होता है। अच्छा, और सर उसके अलावा भी मुझे रोज अपने गम्स में ना ब्लड आ ही रहा है फ्रॉम डे 1 ऑफ माय फ्रूट डाइट, बट मैंने उसके लिए पेशेंस रखा ही है, मे बी वो कुछ ना कुछ होगा या कुछ मजबूती बन रही होगी, स्ट्रेस पे मैंने उसको नोट नहीं किया था इतना, बट एवरी डे व्हेन आई क्लीन माय टीथ तो आई गेट ब्लड फ्रॉम इट। उसमें भी टाइम लगेगा। अच्छा, वो भी ठीक होगा, उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि जो माउथ वाली ये टीथ वाली जो चीज होती है ना वो सबसे आखिरी में ही हील हो पाती है। अच्छा, ओके सर, कोई बात नहीं, पेशेंस तो है क्योंकि अभी इस पे यकीन तो रखना ही है, और है ही, मतलब जो होगा होगा, मतलब पीछे तो मुझे जाना नहीं है। और सर जब से मैंने नोट किया है ना, जब मुझे थायराइड हुआ था तब से मैंने ये नोट किया कि मेरे टंग के एंड पे ना मुझे कुछ ऐसे लम्स है, वो ना कभी गया ही नहीं है, मतलब अभी तो चलो मुझे ऑलरेडी 2 मंथ्स हो गए, मैंने टैबलेट भी छोड़ दी है, और करीब सवा मतलब 1 month 15 days से I'm on fruit diet, तो वो चीज मुझे लग रहा है वो भी हील हो सकती है सर, टंग वाली चीज? हाँ, वो जल्दी हील हो। अच्छा, तो उसको मैं नोट करती रहूँ ना कि क्या कब जाएगा ऐसा? पार्ट है, उसमें टाइम लगेगा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा।
क्योंकि सर ये जो तीत का जो पार्ट है ना उसके वजह से ये कान दुखना, हेडेक होना और गले का एक साइड का दुखना ये काफी प्रॉब्लम हो रहा है। ज्यादा प्रॉब्लम हो किसी दिन तो फिर रेस्ट करना है और पानी पीना, ओके तो ओके। उससे सबसे फास्ट हीलिंग है। क्योंकि सर पता है लास्ट वीक मेरे पास एक वीडियो था जिसमें बताया गया था रूट कैनल हमारी हेल्थ प्रॉब्लम के बहुत सारा रूट कॉज होता है। तो तब रूप में डाला था वही वाला ना, रूट कॉज जो मूवी है। जी जी करेक्ट करेक्ट वही। तो सर वो तो तब से मुझे इतना क्लिक हो गया कि मैंने ऑलरेडी भी अपने रूट कैनल करवाए हुए हैं और तब तो हमको ऐसे कुछ आइडिया भी नहीं थी। मतलब मे बी दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ माई यू नो थ्रोट जिससे मुझे शायद थायराइड हुआ हो बिकॉज उसमें इतने केमिकल इनटेक हम ओरल सर्जन करते हैं ये सब करते हैं। वो रूट कैनाल एक्सट्रैक्शन के लिए आप सोच सकते हो, क्या सर रूट कैनाल्स आप अपनी निकलवा सकते हो। निकलवा सकते हैं सर? तो फिर वो जो टीथ है वो तो इतने ऑलरेडी वीक है जिसको वो कवर करके हमने लगाया हुआ है कैप। हाँ तो वो टीथ निकल जाएगा ना, कैप भी हट जाएगा, टीथ भी हट जाएगा। वो तो एक सड़ा हुआ हिस्सा अपने बॉडी में रखा हुआ, उससे प्रॉब्लम्स ही बढ़नी है कुछ। अच्छा तो आप मुझे बताना थोड़े टाइम बाद में इस चीज के लिए एक्शन लेकर उसको पहले ही करवा लूंगी। नहीं अभी आप चाहो तो किसी डेंटिस्ट पे जाके रूट कैनाल्स अपनी एक एक करके निकलवा सकते हो। अच्छा ओके। और फिर वो तो मुझे ये भी कहेगा कि तुम लास्ट विजडम टूथ भी निकाल दो। कहना पहले ये रूट कैनाल निकाल दो। अच्छा ठीक है। और सर मैंने ना एक चीज नोट की थी कि मैंने ना जब नॉर्मल वाटर से अपने हेयर स्टार्ट किया था ना वॉश करना तो मुझे ना उसी 2 दिन में इतनी हेयर में इचिंग होने लगी और मैंने देखा कि मेरे बालों में ग्रे हेयर्स आ गए। एक 2 दिन में तो कोई हेयर्स ग्रे हो नहीं सकते, मतलब ग्रे हेयर्स होते हैं वो एजिंग होती है बॉडी के अंदर तब होते हैं, क्लीनिंग की वजह से नहीं। ओके मतलब वो कहीं ना कहीं से बाहर आना ही था तो वो ये रूप लेके आ गया होगा तो ऐसा आप ना? बिल्कुल थोड़ा सा टेंस हुए हो गए, आपको आपको दिख, आपने ज्यादा ध्यान से देखा होगा। अच्छा मतलब तो होना ही है ऐसी बात है, उसको पानी एक्सेप्ट क्या करना ही उसमें था। टेम्परेचर ज्यादा करके किया या नहीं किया? आज तो मैंने थोड़ा लुक वार्म थोड़ा ज्यादा करके हेड वॉश किया था तो तब मुझे थोड़ा सा ना डेजीनेस होने लगा क्योंकि यूजुअली जब इससे पहले भी सोना बात वगैरह कब करते थे नेचुरोपैथी में तो जब हम लोग ये जो गर्म पानी का जो कंसर्न रहता था बॉडी के साथ उसमें हमको बोला जाता था वो टाइम होने के बाद ठंडा पानी तुरंत पी लो। नहीं लेकिन अपने को पानी उतना ही गर्म करना है जितना अपन को इजीली अपन फील हो सके कि हाँ कोई तकलीफ नहीं। हाँ सर उतना तो था बट फिर भी वो जब तक हेड वॉश हुए ना तब तक उसके बाद थोड़ा जैसे गर्म गर्म किसी को गर्मी नहीं लग जाती है वैसे डेजीनेस होता है वैसा मुझे फील हो रहा था। मे बी इट कुड बी अ वीकनेस एक जो बाहर आ रही होगी। तो थोड़ा सा और पानी कम गर्म करो। अच्छा और सर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने मैंगोस काफी खाने की वजह से ये पिंपल्स और ये सब तो नहीं आने लग गए हैं? मैंगोज की वजह से पिंपल्स नहीं आते, अपने ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं वो बाहर निकालने के पिंपल्स आते हैं और मैंगो उसमें हेल्प करता है। अच्छा ओके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये 45 डेज भी बहुत कम है, मुझे तो ये इम्प्यूरिटी तक पहुंचने के लिए तो बहुत आगे चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि सर मेरी तो मदर इन लॉ अभी इंटरेस्टेड हो गई कि आपसे बात करने के लिए वो शी इज आस्किंग कि तुम कब तक ये सब करोगे। मैंने कहा जब तक मुझे मेरा वेट ऑब्टेन नहीं हो जाएगा ना इस चीज से तब तक मैं करूंगी। अच्छा है। तो आप स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज और डरे हुए थे। जी सर। सर क्योंकि
ये चीज ना एकदम से तो नहीं होनी थी, शायद हमने इससे पहले वेगन रॉ ये सब चीज ट्राई की है ना, तो एक चीज की अभी ये चीज भी ट्राई करके और क्यों ना बिलीव करके, और इसमें तो अपने आप बॉडी को कोई अंदर से तकलीफ ही नहीं है, तो इसमें बिलीविंस लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। तो इसलिए ये चीज में आगे बढ़ने की कोई दिक्कत ही नहीं लग रही है कि कब तक होगा या कब हो खत्म होगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ कभी कभार हमारे आसपास ऐसे सिचुएशन होती है कि खाना आ जाता है और हमारे टेस्ट बर्ड्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, तब हमको थोड़ी सी सिचुएशन मैनेज करनी पड़ती है, अदरवाइज तो इसमें कोई हार्म ही नहीं है ये लाइफस्टाइल में। कोई हार्म नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर पाते। पता नहीं सर, जितने हम लोग ग्रुप में हैं वो एक बहुत लोग आइकन बन चुके हैं, मे बी कुछ और लोग हमसे अट्रैक्ट होके आए, बस यही चीज हम होप कर सकते हैं। सही है, जिसका जब समय आ जाएगा तब वो होगा। शायद आप सर, भी तो मैं अभी रूट ये रूट कैनल वाले जो कैप्स है ये निकलवा लूं। हाँ निकल वालो, ठीक उसका है, कोई ठीक यूज नहीं है, तो है सर। अपनी बॉडी में रखने का कोई मतलब नहीं, अच्छा वो एक्सटर्नल चीज है ना। आपने फिल्म देखी हुई है तो आपको पता जी ठीक है सर। है, दैट कैन बी वन ऑफ द कॉज ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम्स। इवन आई एम थिंकिंग तो निकलवाने में फायदा, यदि आपको दांत लगवाना भी है उसके ऑप्शंस भी मिलेंगे, इसको तो निकलवाने में फायदा है, ठीक है, इसको रखने में कोई फायदा नहीं। ठीक है सर। थैंक यू सर। गौरव जी, थोड़ा अर्जेंट है, बात करूं क्या? हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ गौरव जी, एक्चुअली मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे इनकेस भूखी लगती है तो मैं नारियल पानी पी सकती हूँ क्या, मन हुआ खाने का तो? हाँ बिल्कुल, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कब भूख लग रही है और कब उल्टी आ रही है। ये अच्छा आपको वोमिट फील हो रहा है, भूख नहीं लग रही है तो नहीं खाना है, हाँ ये आपको भूख लग रही है तो खाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है गौरव जी, लेकिन मुझे वॉमिट तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन प्रेशर पूरा है और एनर्जी अंदर बहुत फील हो रही है, लेकिन फिर भी प्रेशर फील हो रहा है, तो एनर्जी बढ़ रही है एक्चुअली मेरी, तो वो बीच बीच में बढ़ती है एकदम अंदर से, और अंदर से कम भी हो रही है अपने आप। तो गौरव जी मुझे एक बात बताइए कि मेरा भी रूट कनाल नहीं किया, एक ही हुआ है अभी तक, दो तो बाकी है, तो ये कब करने पड़ेंगे मुझे बताएं। आपके वो पहले वाले की सब सूजन वगैरह चली गई, सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, दर्द वर्द नहीं है वहां पे। जो दर्द है, थोड़ा दर्द है मेरा, रूट कैनाल अपन ने एक्सट्रेक्ट करवाया हाँ उसमें वो उसमें दर्द है गौरव जी, तो वो ठीक हो जाने दो, उसके बाद सेकंड लेना, उसके बाद ही सोचते हैं ना गौरव जी। एक हफ्ता और निकाल लो, ओके गौरव जी, क्योंकि धीरे धीरे अपने को करना है, क्योंकि एकदम अपन करेंगे तो वो यहाँ भी दर्द वहां भी दर्द, तो बॉडी झेल नहीं पाएगी। तो ये रूट कैनाल जो अपन ने हटवाई है उसका दर्द जब खत्म हो जाए तब आप दूसरी रूट कैनाल पे जाएंगे। तो मतलब डिटॉक्स प्रोसेस में भी जाके कर सकती हूँ, है ना? वो अपन देखेंगे, एक हफ्ते बाद ही देखेंगे, जब पेन बिल्कुल ना हो ना तब निकलें। ठीक है गौरव जी, आपको क्या लगता है, मेरे को अभी भी प्रेशर पूरा बना हुआ है, वोमिट नहीं हुआ है, ये कितना दिन चल जाएगा? काफी लंबा लगने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। फ्रूट आप ये बताओ आप क्या खाते थे? से खाते नहीं, पहले 5 साल पहले क्या खाते थे? आप ऐसे कैसे हो गए? हाँ, मैंने सब गलत खाया है। खाया ना गलत, हाँ तो जब हमने जो बोया है वो उसकी फसल उगाई है तो उससे डरना क्या है? नहीं, डरती नहीं हूँ गौरव जी, क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी कितने दिन के लिए प्रिपेयर रहो कम से कम बताइए।
तो लगेगा टाइम, कम से कम 6 महीने और लगेगा। ऐसे ही चलेगा गौरव जी मेरा, लेकिन ठीक हो जाओगे आप? हाँ मुझे पता है मैं ठीक होने वाली हूँ। 6 महीना क्या, साल भर भी चलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास चॉइस नहीं है। लेकिन इसमें भी जो पेन है, तकलीफ है, सर में दर्द है, ये ऐसे ही चलेगा कि 6 महीने तक? देखो तकलीफ हमें जो हो रही है ना, तो हमारा मेटल पुराना पेंडिंग हिसाब के साथ निबट रहा है। हाँ नया हमारा कोई गलत काम नहीं। नहीं गलत तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन जो डिटॉक्स में जो ये हो रहा है कि आंखों में ब्लरिंग, ये पेन, ये कम होगा क्या कुछ? ये तो हाँ, ये तो विद इन ए वीक सब सही होगा। ये फेजेस में आता रहेगा, आता जाता रहेगा, होता रहेगा, फिर सही भी होगा, फिर होगा, फिर सही होगा, फिर से चालू भी हो सकता है ना, तभी वो डिटॉक्स की तरफ ले जाएगा। जब एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी तो डिटॉक्स नहीं होगा, तब आपको लगेगा कि एनर्जी ज्यादा है। जब आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी हाथ पैरों में, तब बॉडी के पास एनर्जी नहीं होगी कि डिटॉक्स करने, तो आपको लगेगा कि आई एम गुड। और जब बॉडी के पास एनर्जी होगी, जब वो डिटॉक्स करेगी, तो आपको लगेगा आई एम बैड, जबकि उसके पास उस समय ज्यादा एनर्जी है। तो वो चीजें जैसे आप सोचोगे ना, वैसे अंदर से नहीं होगा। नहीं अभी मुझे लगता है एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा, मतलब आई एम बैड है ना? यदि आपको लग रहा है आपके पास एनर्जी ज्यादा है तो उसका हाँ। उस समय डिटॉक्स नहीं चल रहा, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो डिटॉक्स जैसी चीज टेकअप लेके चले। आज जैसे वो डिटॉक्स लेके चल रही है हाँ। उसको वोमिट कराना है, तो उसको पता है कि इस स्थिति में पेशेंट कुछ खाएगा नहीं हाँ। तो इतनी रिजर्व एनर्जी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए लेके चल रही है कि ये कुछ नहीं भी खाएगा तो भी मैं चलूंगी। हाँ. लेकिन जब आप खाना खा रहे होगे, जब आप फ्रूट्स खा रहे होगे, आपको भूख लग रही होगी, तब बॉडी के पास रिजर्व एनर्जी कुछ नहीं हाँ. तो वो खा रही है कि उसको भूख लग रही है हाँ. तो आपको हाथ पैरों में भी एनर्जी दिख रही है हाँ. उस समय वो डिटॉक्स नहीं ले रही हो, उस समय उसके पास ऐसी एनर्जी नहीं है कि वो आपकी बॉडी को गर्म भी कर ले और आप कुछ भी नहीं खाओ तो भी वो चल जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। तो जब हम बुखार में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तब बॉडी में एनर्जी ज्यादा होती है। अच्छा उल्टा उल्टा होता है। जब हम जैसे हमको यदि किसी चीज को गर्म करना है, पानी को यदि हमें गर्म करना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना ज्यादा हाँ। तो जब पूरी बॉडी आपकी 50 किलो की है, उसको यदि अपने को 4 डिग्री तापमान बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए उसके लिए? हाँ। उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए हाँ। लेकिन वो ज्यादा एनर्जी के समय पे हमारे हाथ पैरों में एनर्जी नहीं होती है, तो हमको लगता है कि हमारे पास कम एनर्जी है हाँ। लेकिन एक्चुअल में उसके पास उस समय ज्यादा एनर्जी होती है, तभी वो बुखार लेके आती है। अच्छा मुझे फीवर भी आ सकता है ना? हाँ, जो आपको डिटॉक्स सिम्टम हो रहा है ना, वोमिट हो रहा है, तो आप कह रहे हो मैं नहीं खाऊंगी तो मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय आपके पास एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए आपको भूख नहीं लग रही, इसीलिए आप डिटॉक्स सिम्टम फेस कर रहे हैं। अच्छा तो जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। तो मुझे जो मतलब मैं अगर ये करूं, क्या बोलते हैं कि पता नहीं कुछ सवाल पूछना था गौरव जी, अचानक से दिमाग से ही निकल गया। हाँ गौरव जी, एक्चुअली कंडीशन बहुत बुरी लग रही है बस, और तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कंडीशन बुरी होती है, क्योंकि हम उसके लिए हमारी पास्ट हमारा जिम्मेदार है, और बॉडी हील करती है तो थोड़ा सा तकलीफ होती है गौरव जी। हाँ ठीक है गौरव जी, बस इतना ही है कि अगर कमजोरी आ जाती है बहुत, तो भी वे बुखार आ जाता है तो क्या करना है फिर? वो कमजोरी आपके हाथ पैरों की कमजोरी है, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, जब बुखार आ रहा है तो बॉडी के पास इनफ पावर है। अच्छा, कमजोर आदमी को बुखार नहीं आता।
अगर बुखार आता है तो फिर क्या टेम्परेचर गिराने के लिए कुछ ठंडी पट्टियां करनी पड़ेगी क्या? भाई गिराना क्यों है? वो बोलते हैं ना कि 5 के ऊपर या 6 के ऊपर, 5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपके अंदर एनर्जी की आपका 5-6 हो जाए, तब गया था आपका 5-6। कितना बुखार है अभी आपको? अभी तो नहीं है पर आ गया 5 तक तो क्यों आएगा भाई? अच्छा हाँ, जो अनफोर्सिन इवेंट्स हैं, हाँ आपके घर में खिड़की लगी हुई है, आप छठे माले पे हो, हाँ आप सोच रहे हो कि मैं छठी मंजिल से कूद जाऊंगा तो ये हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करूंगा? गौरव जी छठे माले पे रहती हो, आपको कैसे पता चला? नहीं तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फिर आप उसका इंतजाम अभी सोचोगे क्या? पहले कूदो तो सही, उसके बाद सोच लेंगे क्या करना। अच्छा तो चीजें जब होंगी तब उसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है गौरव जी, तो मतलब हम अगर ज्यादा बढ़ जाए तो हमें पट्टियां करनी, पानी एक गीला टॉवल लो अपने सिर पे डाल लो, कुछ नहीं करना। अच्छा ज्यादा ही बढ़ जाए है ना, ज्यादा बढ़ जाए तभी, और क्या, अभी थोड़ी डालना है। जब 102 के ऊपर जाना है बुखार को तब 102 तक कुछ नहीं करना। अच्छा ठीक है गौरव जी, पर खाना पीना नहीं है फिर भी कमजोरी आ जाती है? भैया खाना पीना नहीं है, खाने में बहुत एनर्जी यूज होती है बॉडी की, जब बॉडी हीलिंग होती है तो पूरी एनर्जी हीलिंग में लगानी होती है बॉडी को, उस समय आप खा लोगे तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा आपका। कोई आदमी को यदि बुखार आ जाए वो खा ले खाना तो बेकार कर दिया उसने बुखार। अच्छा मूर्ख है वो व्यक्ति जो बुखार में अपना टेस्ट चला जाता है, भूख चली जाती है, बॉडी सिग्नल देती है नहीं खाना। अच्छा मुझ में कोई खाए तो मूर्ख है वो। मुझ में अगर एनर्जी नहीं है और मुझे बुखार आया तो मैं अपने आप को कैसे कपड़ा डालू, कोई रखू क्या मेरे पास कोई असिस्टेंस? कपड़ा पहले गीला कपड़ा के रखो आप, अभी जैसे बुखार आया वैसे रख ले। अच्छा एक गीला कपड़ा भी रख लो अपने बगल में और थर्मामीटर रख लो, जैसे ही बुखार आए ना वैसे ही डाल ले। ठीक है गौरव जी, कितना दिन लग जाएगा ये सब प्रेशर थोड़ा कम होने में? 6 महीना लगेगा आपको। नहीं अभी जो हो रहा है उसके लिए 1 हफ्ता, ये 1 हफ्ता ऐसे ही चलेगा? चल सकता है, कम भी लग सकता है, लेकिन मैं देखो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हाँ ठीक है ओके गौरव जी थैंक यू। अंजू बंसल आपका 4th-5th दिन चल रहा है, मैंने देखा था। श्री हरीश आपका क्या चल रहा है? सर मेरा ऑलमोस्ट 25th का दिन चल रहा है। और मैं बाहर गया था, एक्चुअली लास्ट वीक बाहर गया था 3-4 दिन, जामुन खाया था तो मीन 3 डेज कंटिन्यूस हेडेक था, एक्चुअली लाइट माइल्ड हेडेक, बाद में कम हुआ। हेडेक अच्छा ही है, कोई बात नहीं। आई थिंक जामुन इज अ वेरी गुड डिटॉक्सिफायर राइट? कोई चीज कुछ भी नहीं करती है, कोई फ्रूट का कोई फंक्शन नहीं है बॉडी।
फूड कोई हीलिंग नहीं करता और कोई भी फूड कोई भी बीमारी ठीक नहीं करता। हमारी बॉडी खुद से हीलिंग करती है, वो तब कर पाती है जब उसको डाइजेशन से फुर्सत मिलती है। फूड केवल इजीली डाइजेस्टिबल होता है, इसलिए फूड खाने से हमें हीलिंग होती है, बाकी फूड का कोई फंक्शन नहीं। इसलिए कोई कहे कि हमें जामुन खाने से हमारे डायबिटीज ठीक हो गया या ये करने से संतरा खाने से आंखें ठीक हो गया या कुछ और खाने से कुछ और ठीक हो गया, ये सब फालतू की बात है। क्योंकि कोई फ्रूट का कोई फंक्शन नहीं है, फ्रूट जस्ट गिव्स अस व्हाट वी नीड एंड हीलिंग इज फंक्शन ऑफ अवर ओन बॉडी। बट एक्चुअली मैं ये फ्रूट्स का अभी सुबह में दो नारियल का पानी पिया, चार बनाना खाया और फोर मौसम्बीस खाया और मैं बाहर जाके आया। एक्चुअली 3-4 घंटे बाहर जाके आया, बट कैसा हो गया कि लाइक बहुत टायर्ड हो गया बाद में आने के बाद, बहुत टायर्ड हो जाता है एक्चुअली। सो धीरे धीरे आपकी एक बार में खाने की खुराक बढ़ेगी और ज्यादा, और फिर आप बिना खाने के भी रहने की खुराक मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी क्या है, हमारी जो साइज है पेट की वो थोड़ी छोटी हो गई है कुक्ड फूड की वजह से, तो हम फूड कम क्वांटिटी में खा पाते। आप एक ही बार में 10 केले खा लिए आराम से, एक बार में 10 आम खा लिए, इस तरीके से। सर आपका आपका कितना डाइट है कुछ बता सकते हैं, लाइक आप मॉर्निंग में क्या खाते हैं, दोपहर में क्या खाते हैं और शाम को? मेरे को अभी खरबूजा मिल जाता है तो सुबह खरबूजा खा लेता, एक बार तरबूजा खा लेता हूँ, एक बार आम खा लेता हूँ, ये तीन ही मेन आ गए। तीन ही बार, थ्री टाइम्स और भी कभी आलू बुखारा भी मिल जाता, आलू बुखारा। मतलब ये तीन मेन फल है, तो इनसे एक बार पेट भर के खा, जैसे हम तरबूज को पेट भर के एक बार खा लेते, खरबूजे को पेट भर के खा लेते, आम को पेट भर के खा लेते, अब आलू बुखारे से तो कुछ होना नहीं है। सर आलू बुखारे वे? वो क्या है सर? प्लम को बोलते हैं उसके, आलू बुखारा सर आलू बुखारा नो प्लम इज डिफरेंट, मतलब ही प्लम नहीं नहीं शोइंग रॉन्ग देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सर खुरमानी खा सकते हैं? सूखी नहीं खाना, अभी कोई ताजा फल है। हाँ ताजी खुरमानी। गौरव जी मुझे पूछना था कि अगर मैं मान लो कि पता नहीं सवाल भूल रही हूँ एक्चुअली गौरव जी। दिस लुक सो मच लाइक प्लम्स। यही है ये। दिस इज प्लम ओनली, योर इज नॉट प्लम एंड आलू बुखारा इज द सेम थिंग। नो बट दैट मिडिल थिंग इज समथिंग व्हिच वी यूज इन कुकिंग, इजंट इट? ब्रांच ये कि कुछ और पिकाओ कुछ होता है।
हाँ गौरव जी आप मुझसे बोल रहे हैं हाँ, जो अनफोर्सिन इवेंट्स हैं हाँ उनको मत देखिए उनको मत बनाइए अपने दिमाग से नहीं हाँ गौरव जी कुछ बिल्कुल आप अभी आपको बुखार ही नहीं आ रहा इस पर तो आप सोच रहे हो कि मेरे को 105 डिग्री हो जाएगा तो मेरे को क्या होगा फिर मैं फिर पानी की पट्टी कैसे रख पाऊंगी हाँ है ना हाँ ये अनफोर्सिन इवेंट्स जो कि हुए ही नहीं है आप हाँ, अभी आए ही नहीं है ना हाँ, बिल्कुल हाँ एक महीने में कितनी बार आपको बुखार आया एक बार भी नहीं आया एक बार भी नहीं आया नहीं आया फिर भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि मेरे को बुखार आएगा वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगी मैं पानी की पट्टी नहीं रख पाऊंगी तो मैं क्या करूंगी नहीं मुझे नहीं पता वो जो होगा देखा जाएगा हाँ तो मत सोचिए आप ऐसा हाँ गौरव जी मेरा वेट जो है अभी 42 केजी है तो उसकी भी चिंता ना करूँ ना बिल्कुल ना करो हमने आपको खाने की मना नहीं किया अभी आपको भूख नहीं लग रही है हाँ जी ना हाँ। फास्टिंग नहीं कर रहा है कि नहीं खाना है हाँ तो कह रहे हैं भर भर के खाओ आप तो 50 किलो फल खाओ एक दिन हाँ लेकिन मुझे मन नहीं हुआ तो नहीं खाना है नहीं खाना है क्योंकि जब बॉडी जो चीज एक्सेप्ट करेगी उतनी तो खा पाओगे ठीक है गौरव जी हाँ अगर इनकेस मान लो गलावट आ जाती है बॉडी में रात में नहीं टॉयलेट तक जा पा रही हूँ लेकिन फिर कैसे करूँ और क्या होगा हाँ बिस्तर में कर लेना टॉयलेट अच्छा इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना हाँ वही आप डरने से कुछ नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा अरे कुछ नहीं होगा बचपन में भी तो करते थे आप हाँ गौरव जी करते थे फिर क्या हुआ कुछ नहीं हुआ ठीक है गौरव थैंक यू और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या आज बिजनेस के सर एक छोटा सा क्वेश्चन था ये जो अभी फास्टिंग का जो शुगर लेवल है वो काफी डाउन होता जा रहा है कितना है कभी कभी 81 और 87 के बीच में अभी फ्लक्चुएट हो रहा है नॉर्मल है ये कितना नीचे तक और जा सकता है 80 तक तो नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं उसके नीचे जाएगा तो ओके जैसे आज का 87 था 80 के नीचे जाएगा 80 तक तो परफेक्ट है मतलब ऑप्टिमल है होना चाहिए और ये आम खाके चार आम खाने के का दो घंटे बाद किया था तो ये भी 100 से ऊपर गया है तो इट वाज अबाउट 98-99 आ रहा था ग्लूकोमीटर में थोड़ा सा फॉल्ट हो सकता है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लमेटिक लेवल्स नहीं है जी ठीक है थैंक यू देखिए हम फ्रूट्स पे ऑप्टिमल लेवल्स पे आ जाते हैं और हमें वो देखने की आदत नहीं होती है तो आपकी हार्ट रेट है ना वो भी कम होती जाएगी जी वो भी आपकी ऑप्टिमली 60 होनी चाहिए जनरली होती नहीं तो मैं स्पोर्ट्स पहन रहा हूँ तो मेरी हार्ट जो बीट की रेट थी पहले से ही कम थी और अभी जो मैं सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी कि
तीन कदम चलता था तो ब्रीथलेसनेस होती थी, जैसे सांस फूल रहा है। वो तो बंद हो गई अब तो। मैं आप बोलोगे जहाँ अभी बैठा हूँ मैं 10 मिनट भाग के दोबारा बैठ जाऊंगा इसमें, जैसे आपकी कॉन्फ्रेंस खत्म होगी। वेरी ग्रेटफुल टू यू, मतलब अपनी पुरानी फॉर्म में धीरे धीरे आता जा रहा हूँ। डिटॉक्स की वजह से आई एम होल्डिंग बैक, और आपने जो जैसे जैसे एडवाइस किया था आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दैट। अपना दिमाग फॉलो नहीं कर रहा, अब पूरे दिन भर थोड़ा सोता रहता हूँ, तो रात में उठना कई बार पड़ता है डिटॉक्स की वजह से, तो आई मेक अप फॉर दैट स्लीप इन डे टाइम। ऐसा है कि 15-20 मिनट सो लिया फिर जग लिया, अभी भी 15-20 मिनट सो लिया जग लिया, अभी भी चेहरे पर ऐसा लग रहा हो जैसे सो के उठा हूँ, बट आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये भी खत्म हो जाएगा। अभी शायद प्रोस्टेट मेरा करीब रह गया होगा करीब 20-30%, या अदरवाइज तो फैटी लीवर और ये जो मुझे लगता था ब्रीथलेसनेस, और उन्होंने जो जो मेडिसिन दे रखी थी वो उसके लिए बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो अभी डायबिटीज तो है नहीं, बीपी है नहीं, बीपी मेरा जो जो नीचे वाला है वो वही रहता है 78-82, और ऊपर वाला है खूब चल के भी आऊँ और उसमें आओ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है वो 83-84 पे पहुँचता है। सो दैट वे आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दीज मेडिकल पैरामीटर्स। स्टेमिना फिजिकल स्टेमिना लौट के आ गया है पूरा, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सब कोई टेंशन खत्म हो गई है, कुछ भी होता रहे किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, खुश रहता हूँ बिना वजह खुश रहता हूँ। जब सोचता हूँ कि बारिश आनी चाहिए तो बादल भी आ जाते हैं जब सोचता हूँ कि बाहर निकलना चाहिए तो मौसम भी ठीक ही मिलता है, और जिस किसी को भी याद करता हूँ बेसिकली उसका कॉल आ ही जाता है। आई डोंट नो, दिस इज वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट इज हैपनिंग। तो जो टेलीपैथी होती है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती जा रही है। दिस वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर, ये मतलब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, आई विल कॉल इट अ रीबर्थ। शक्ल वही है, थोड़ी बहुत मिलती है, बट अमेजिंग रिजल्ट्स, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और मुझे पता होता मैं आगरा में अभी पोस्टेड रहा रिटायरमेंट के लिए, मुझे पता होता कि आप ग्वालियर में ही रहते तो मैं जरूर मिलता आपसे 3-4 दिन, वहाँ से तो जाते रहते थे, पास में ही था हमारा वर्कशॉप, पास में था दिस वर्कशॉप। Indeed, grateful to you, sir. सबसे अच्छी बात है घर वाले मोटिवेट हो रहे हैं, लाइक आज से हमारा पूरा घर ही उस पर है, ये फ्रूट जर्नी में ज्वाइन कर लिया है, यही लोग थे सब मुझे मना करते थे तुम्हें क्या हो गया, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग द बेनिफिट्स। So except prostate, I am relaxed. मतलब उसका थोड़ा सा मुझे है अभी residual effects हैं, but over a period of time. थोड़े दिन बाद आप कहते थे except sleep I am okay. Yes yes, I am very much okay. I am very much. Prostate I am okay. फिर थोड़े दिन बाद आप कुछ और कहोगे? वो तो ह्यूमन नेचर है ना सर, यही तो हमारे अंदर कमी है। वो चीज हम चाह रहे होते हैं कि ये पहले ठीक हो जाए। नींद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। उसको हाईलाइट कर देते हैं। भैया ये देख लेना, बाकी तो सब सही है। सर एक एक महीना हो जाता था बिना सोए। लकीली दैट द एफिशिएंसी वाज नॉट अफेक्टेड। एंड ये जो इलनेस है जो इंसोम्निया की, इट इज देयर फॉर द लास्ट 21 इयर्स। बट इन आर्मी आई वॉज इन JNK अभी रिटायरमेंट से पहले, वहाँ तो काम करना पड़ता है एज एन इंजीनियर। वार कहाँ हो रही है सर, बेसिकली वहाँ नॉर्थ में ही हो रही है, एंड आई वॉज होल्डिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो मैं अभी वो नहीं कर सकता, रिवील नहीं कर सकता, बट यू रिक्वायर मैक्सिमम ऑप्टिमम एफिशेंसी चाहिए उसके लिए, और बिना नींद के बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। So that is one thing, the God has been very kind to me. But उसके बाद में नींद आ रही है आपको? अब तो नींद आ रही है, तो मैं जरा भी 10 मिनट भी मिलते हैं सो जाता हूँ। अभी नींद आती है तो मैं इसको भी वीडियो को बंद करके भी थोड़ा सा एक झपकी मार लेता हूँ। तो वैसे तो रात में तो आ रही है सब ऑन द एवरेज 4 घंटे, तो पूरा दिन का भी मिलाकर देखा तो मैं 7-8 घंटे पूरे कर लेता हूँ। और जैसे है ना फास्ट चार्जिंग पे वो जो हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है चार्जर से, मुझे पावर नैप जिसको बोलते हैं सर, 10 मिनट में पूरा फुल्ली चार्ज हो जाती है बॉडी, तो एनर्जी वापस आ जाती है।
one thing very unique that is happening. लेना नहीं चाहिए जहाँ तक मैंने समझा है उसको. जी मतलब आ रही है नींद एक अलग बात है, लेकिन यदि हम दिन भर यदि कोई काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर, उससे रात की नींद बहुत बेटर हो जाए. अभी मैं थोड़ा एक्टिविटीज में लग जाऊंगा तो फिर ये भी डे टाइम का खत्म हो जाएगा. अभी थोड़ा सा दिन का और रात का जो ये बैलेंस बना के चल रहा हूँ. एक बार स्लीप साइकिल मेरा ऑर्डर में आ गया. आई डोंट नीड मोर देन 4 hours और 5 hours ऑफ स्लीप. यहाँ एक बार वो लाइन पर आ गया. उठना पड़ता है ना रात में डिटॉक्स की वजह से. आई थिंक एवरी हाफ एन आवर और 45 minutes आई हैव टू गेट अप एंड गो टू वॉशरूम. आप एक हीलिंग क्लासेस लेना शुरू करो आस पास के लोग. वो तो मेरे पास जो भी आता है वो हील होके चला एंड शुरू से ही है. एंड वो हीलिंग पावर वैसे भी बढ़ गई है सर बिकॉज ऑफ यू. जिस तरह से आपने डायरेक्ट किया, आपने गाइड किया एंड ऑल दैट, छोटा सा इंटरेक्शन से ही दे कम अप्रोच करते हैं सर. बेसिकली दे कम फॉर द लीगल एडवाइस तो लेते हैं. थोड़ा लॉ का मेरा इंटरेस्ट रहा है, जाते हैं सेटिस्फाई होते जाते हैं. आपका बेटा बड़ा कंसर्न था आपके लिए. बहुत ज्यादा बिकॉज ही इज सेटिस्फाइड है. ही इज अ ग्लोबल डायरेक्टर है, उसका तो टोटली विजन कॉर्पोरेट का है. अब ही इज वेरी मच सेटिस्फाइड. इनफैक्ट ही इज फॉलोइंग मी नाउ. और कंसर्न था सर बेसिकली सर राइट फ्रॉम द आर्मी. जो बचपन से ही हमारे जो हमें कोई फैसिलिटीज सब मिलती नहीं है. जे एंड के में बच्चे अकेले रहते हैं, उनके लिए जो फादर जो फिगर होते हैं हम ही होते हैं, हम ही गाइड करते हैं. उस टाइम पे फोन भी नहीं हुआ करते थे. बोथ माई डॉटर एंड माई सन दे हैव राइट फ्रॉम चाइल्डहुड डेज हैव सीन. उन्होंने देखा किस तरीके से धीरे 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 पापा की जो कंडीशन डिटोरेट होती गई है. वहाँ ये 10-10 mile भागते थे कैंटीन में आते हुए. नहीं है भागना ही आदमी में कोई भागना वागना नहीं होता हमारी कोर में. बट वी हैव गॉट हाई टेक है हमारा का हाई टेक्नोलॉजी जो अभी तक इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है सब हमारे पास है. तो वी हैव टू कीप टिल द लास्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट वी हैव टू डीप. वो कंसर्न रहता था. मेरी डॉटर भी कंसर्न रहती थी. उसी डॉटर है गुंजन है यहाँ पर आज, उसने भी शुरू कर दी है ब्रेक के बाद. बॉम्बे से वो आई है. तो क्रेडिट गोज टू जब वो डोमिनेट करती है तो मेरा बेटा भी चुप हो जाता है. अपनी सोसाइटी आगे वाले करने नहीं देते. मेरी वाइफ ने भी कॉपरेट किया तो उसका मेडिकल स्टेटस भी बड़ा अलार्मिंग है. 21 days वो भी मेरे साथ रही जस्ट टू सपोर्ट. अभी आ गया है कि हम माई सेल्फ माई वाइफ माई सन माई डॉटर इन लॉ डॉटर इन लॉ के पेरेंट्स सभी फ्रूट डाइट पर आ गए. मेरा जो फ्रेंड सर्कल है मेरे कोर्समेट्स हैं वो भी धीरे 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 वो भी सबके सब आते जाएंगे. When I start moving, तो सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि यदि आप पूरी दम लगाओगे तो आप खुद ही ना हील होगे, बाकी आपसे जुड़े लोग भी जो है ठीक होने लगेंगे और आपसे प्रेरणा लेंगे. वो तो आपका विरोध कर रहे थे जी, तो आपके साथ चलने लगे. बिल्कुल सही कह रहे हैं. और वो भी ठीक हो जाएंगे, आप भी ठीक हो जाओगे. बिल्कुल सर. थोड़ी सी दम दिखाओ बीबू जी, थोड़ी सी दम दिखाओ. दवाइयों को जो है डिस्पोज करो. मैंने तो सर रख दी लॉकर में, अभी निकाली थी, इतनी भरी पड़ी है. तो विनोद जी ने पहले दिन इतनी सारी दवाइयां रख दी. बहुत दवाइयां किस किस के गिनाओ सर. आपका सब पता है कि क्या क्या हो चुका है आपके साथ, लेकिन स्टिल जिंदगी अभी बाकी है, जितना है. आई हैव गॉन वेरी वेरी क्लोज टू डेथ एंड आई नो व्हाट लाइफ इज. जिंदा रहना था. लाइफ क्या होती है सर मुझे पता है कि वैसे हम जिंदा नहीं है और अब सब कुछ हमारे हाथ में. करेक्ट. एंड डिटॉक्स स्टेज में सब मौत नहीं आती, बाकी सब कुछ हो जाता है. खा रहे हैं पैसे क्योंकि हम एक बार गिर पड़े तो ऐसा हुआ. उत्कर्ष के साथ भी ऐसा हुआ. उत्कर्ष आज से 15 साल पहले एक बार गिर पड़ा, अनकॉन्शियस हो गया. तो 15 साल तक एक दवाई खाता रहा. तो ऐसे ही आपको एक बार अटैक आ गया तो आपको दवाई खा रहे हो क्योंकि आपको अटैक आ गया. लेकिन उस दवाई का कोई उससे लेना देना नहीं है.
आपकी सर्जरी हुई उसकी वजह से आप बचे, आपके जो ब्लॉकेज थी उसकी सर्जरी करके उसको खोल दिया गया था, अब वो दवाई उसमें कुछ नहीं कर रही है, ये आपको समझना है। यदि आपको हिम्मत नहीं हो रही है तो आप उसको आधा करो, पहले आधा रिड्यूस टू हाफ, और दो हफ्ते वेट करो हाफ रिड्यूस करने के बाद, फिर देखेंगे क्या है। आधी कर दो, आधी एक कटर ले लो, कैंची से काट दिया करो, आधी कर दिया। आपकी आवाज नहीं आती हमको, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आपने कुछ में हेडफोन वगैरह लगाए हुए क्या? नहीं, ब्लूटूथ है क्या? ब्लूटूथ ऑन है, भाई ब्लूटूथ है। हाँ, ये ब्लूटूथ की रेंज नहीं आ रही थी, अब आ रही। ओके ओके, तो आप हाथ में, मेरे में तो हिम्मत है, बट घर वाले अभी बहुत डर गए हैं, जो सिचुएशन में हो चुकी है मेरे से। बताते नहीं है घर वालों को, शुरू में बिना बताए कोई काम किया जाता है, फिर उसको एक महीने बाद बताया जाता है। ऐसे मेरे हस्बैंड दवाइयां लेके खुद बैठता है, तेरे को खानी है, खोल के वो डालता है, कोई मेरे पहले खाई कि नहीं खाई। सुबह ही जो है उसमें से एक एक गोली निकाल दो, कहना खाली, सुबह ही खाली। पेट बाकी ऐसे तो मैंने बीपी की पहले बंद भी की थी, अब भी जब भी ये एंजियोप्लास्टी हुई थी तो उसने वापस वही बीपी चालू करवा दी है, एंड ये इकोस्पिरिन ब्लड थिनर चालू की है, तो क्या करूं भगवान, समझ में ही नहीं आता। आपको ऐसे 1000 उदाहरण दे सकता हूँ कि स्टैटिन ड्रग बहुत ज्यादा नुकसान करता है, फायदा बिल्कुल भी नहीं करता। मुझे तो बिलीव है सर, मुझे बिलीव है, बट आई डोंट नो, एक ये लोग भी डर गए, और सच्ची बताऊं मैं भी बहुत डर गई हूं, जो सिचुएशन मेरे साथ हुई है ना। हाँ, तो डर को बाहर निकालो, डर डर से ही तो हम सब कुछ करते हैं सर। मैं इसीलिए हमेशा आती हूँ। मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं, खाली सुन बैठ के, बाकी फॉलो नहीं कर। मैं बोली बैठा रह दूं, मैं करने वाली हूँ, चुप करके बैठ। आप फ्रूट्स खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो अभी? 100% फ्रूट्स तो मैं खाती हूँ सर, खाली एक टाइम ये आई मीन ये ले लेती हूँ, सैलेड ले लेती हूँ। आप कुछ भी नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि आप फ्रूट्स भी यदि आप एक टाइम कुक्ड मील खा रहे हो, दवाइयाँ खा रहे हो, तो यू आर डूइंग नथिंग। हाँ, दैट वे आई एम डूइंग नथिंग। मैं बोली पता नहीं, मैं कर तो रही हूँ, सैलेड ले रही हूँ और फ्रूट्स खा रही हूँ। हाँ, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बस मैं यहाँ पे अटक गई हूँ कि दवाइयाँ पे मेरे पीछे सब लगे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम आपकी दवाइयों को डिसमिस कर देते हैं। दवाइयों को आपकी को डिस्कस करते हैं। गौरव जी, एक अर्जेंट लास्ट क्वेश्चन है, पूछ लू? हाँ गौरव जी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है गौरव जी। एक्चुअली लास्ट में रेस्ट करना चाहती हूँ, पूछ लू आपको? आप पूछिए, पूछ लीजिए। गौरव जी, मेरी नीस को भी मुझे लगता है डिटॉक्स शुरू हो गया, उसकी कंडीशन तो उसको। नीस के बारे में हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। नहीं गौरव जी, वो नहीं ध्यान दे रही है, वो कर रही है पूरा, लेकिन मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन था, बस उसका आंसर चाहिए था। वो जा, देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी मानसिक स्थिति पहले से ठीक नहीं है।
नहीं नहीं मेरे को नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, मुझे वो जब आपको एक महीने से बुखार नहीं आया आप ये सोच लेते हो कि मेरे को 105 हो जाएगा बुखार तो मेरा क्या होगा, ठीक है, फिर आप जो है मरीज से डिस्कस करके आप उसको सलाह दोगे, आप बात करते करते क्वेश्चन भूल जाते हो कि आप क्या पूछ रहे हो, तो बिल्कुल भी हम आपसे आपके अलावा किसी और के बारे में बात नहीं, मुझे पता है गौरव जी, फिर भी मेरे को आंसर कीजिए, मैं डरूंगी नहीं, उसका क्या है, उसको एमएस था तो उसको है ना जब भी अटैक आता है तो नमनेस आ जाती है बॉडी में, तो अगर इनकेस उसका भी अगर नमनेस आ जाती है बॉडी में तो क्या करना चाहिए उस वक्त? अरे वही मैं कह रहा हूँ ना, आपका क्वेश्चन तो यही होता है ना, हाँ, कि जो चीज हुई नहीं है वो हो जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि उस समय वो लोग स्टेरॉइड देते हैं और दूसरी टैबलेट देते हैं ना, तो तब कर लेना जो करना है, ये हमारी हीरू पेरियानी जी से तो ये तो पहले से ही कर रही है, तो नहीं पहले से कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जब ऐसा तो कुछ लगे आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए या कोमा में चले जाओ, तो आप एम्बुलेंस को कॉल कर लेना, चले जाना अस्पताल, ओके गौरव, कोई इशू नहीं, ठीक है गौरव जी, इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है ना, आप तो एक आध दो डॉक्टरों से नर्सों से कॉन्टेक्ट में जाओ, और एक फोन में एक सिस्टम होता है SOS, यदि अपन कुछ नहीं कर पाए तो वो एक बटन दबा दें तो जितने भी इमरजेंसी नंबर्स हैं उन सबको कॉल लग जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है गौरव जी धन्यवाद, अभी मैं रेस्ट लूंगी, थैंक यू सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, हेलो सर, ये जो हम रात को घराटे लेते हैं इसमें भी फर्क पड़ता है क्या फ्रूट डाइट से? इसमें फर्क पड़ता है, जो भी रुकावट है वो दूर होती है, घराटे भी अपनी रुकावट ही है जो अपन ब्रीथ अपन कर रहे हैं जी, वो जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो वो ब्रीथ भी अटक अटक के जाती है, आपने ये चीज डेवलप की है ना उसके अंदर, तो अब आप फूड खाओगे तो आप वापस बच्चे बन जाओगे, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, देखिए मैं आपको बता रहा था, एक जानकारी दे रहा हूँ, जो स्टेटिंस खाते हैं उनके लिए ये स्क्रीन पढ़ाई आ रही है क्या? नहीं आ रही, आ रही है सर, पढ़ सक रहे सर, पढ़ के सुनाओ, एक समझदार व्यक्ति कौन पढ़ रहा है वो पढ़ के, और एक एक लाइन पढ़ते जाना समझाते जाना, हीरू जी के लिए हम पढ़ रहे हैं। या हीरू जी आप ही पढ़िए और ब्लूटूथ अपना पास में रख लीजिए, माइक ऑन, माइक ऑन कर लीजिए, माइक आपका हो, म्यूट बता, अनम्यूट कर, अनम्यूट करना, अनम्यूट,
This is December 30, 2015. Why statins will destroy your brain and your body? You may know that cholesterol is needed for your body to produce vitamin D, steroid and sex hormone production. And for healthy cell membrane, you also may know that statins can lower your cholesterol so far that your body can't make these vital nutrients. But did you know that statin will also impair your congenital function as you age? That your statin hai. अभी आप स्टेटिन ले रहे हो, ठीक है ना? हाँ, तो कि जो कोलेस्ट्रॉल है इसको स्टेटिन कम कर रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी जो बना रही है उसको वो कम कर रहा है, और वो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है कोलेस्ट्रॉल। हाँ और क्या, okay. तो बॉडी बना रही है ना, क्यों बना रही है? विटामिन डी प्रोड्यूस करना है सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, स्टीरॉइड के लिए, और हेल्दी सेल मेम्ब्रेन के लिए। ओके, नाउ दैट स्टेन इज आल्सो इंपेयर योर कंजक्टिव। स्टेटिन जो है यदि आप लोगे तो जैसे जैसे आप एज आपकी बढ़ेगी तो आपका कॉग्निटिव फंक्शन भी इंपेयर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आप लोगों को पहचान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, या जो आपकी मेंटल अलर्टनेस जो पहले थी वो नहीं रहेगी। ओके, तो इट इफेक्ट्स द ब्रेन। हाँ, इट इज ट्रू दैट योर लीवर इज नॉट द ओनली ऑर्गन इन योर बॉडी दैट प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। केवल लीवर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, योर ब्रेन मेक्स इट एज वेल। दिमाग में भी कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल मेक्स अप ए लार्ज पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन योर न्यूरॉन्स। सिंस न्यूरॉन्स आर मोस्टली मेम्ब्रेन्स, ए लैक ऑफ कोलेस्ट्रॉल माइट इंपेयर देयर फंक्शन। तो जब ये दिमाग में कोलेस्ट्रॉल बनता है और जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स हैं वो मेम्ब्रेन्स हैं एक्चुअली में, और कोलेस्ट्रॉल उन मेम्ब्रेन्स का हिस्सा है, तो जब कोलेस्ट्रॉल को हम स्टेटिन से कम करेंगे तो क्या होगा, वो मेम्ब्रेन्स भी कमजोर हो जाएंगी, काम नहीं कर पाएंगे, है ना? तो जिन लोगों में ये पुअर मेमोरी के, कम ब्रेन फंक्शन के लक्षण देखे जाते हैं, वो ज्यादातर लोग स्टेटिन ड्रग का सेवन कर रहे होते हैं। ऐसी 1181 लोगों पे रिसर्च हो चुकी है जो 64 साल से ज्यादा के थे, उनका जो है, जिनको कॉग्निटिव एबिलिटी जिनकी कम थी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम था कि वो स्टेटिन ड्रग खा रहे थे। और ये स्टडी हर न्यूज़पेपर में प्रकाशित होनी चाहिए थी फ्रंट पेज पे, लेकिन क्योंकि फार्मा कंपनीज जो है नुकसान होता इसलिए स्टडी को दबा दिया गया, ठीक है? तो ये सब सच्चाई जाने बगैर आप अपने हस्बैंड की जिद पे, जो कि डॉक्टर को या किसी भी व्यक्ति पे विश्वास कर लेते बिना जाने बिना परखे, आप अपना जीवन भविष्य खराब कर रहे हो, ठीक है? ये केवल विशेष तौर पे आपके लिए निकाला गया। सर इसमें डाल देना ना ग्रुप में ये जो है, या मुझे फॉरवर्ड कर देना। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो सेशन या
और मैं कर दूंगा कॉपी पेस्ट भी आपका कह रहे हो तो कर दूंगा। ठीक है सर। अभी कैसे मतलब मुझे सपोज दवाइयाँ कम करनी चाहिए या एकदम से बंद करनी चाहिए, ऐसे क्या करना चाहिए? कुछ दवाइयाँ एकदम से बंद नहीं हो सकती। ओके कुछ दवाइयाँ एकदम से बंद हो सकती, तो ये दवाइयों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ दवाइयों के क्या होता है कि वो विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब जैसे ये है, ये तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई है, कुछ फंक्शन ही नहीं है बॉडी कम, ये हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज उसने मेरी एक डोज कम किया, जैसे पेल्विक जो है वो वाली टैबलेट ही कम कर दी है, वन टाइम इन अ डे कर दी है। That's it. मैंने आपको सब भेजी थी मेरी जो रिपोर्ट एंड ऑल, मैंने आपको पर्सनल ग्रुप में भेजा था, मैंने आपके नॉट इन अ ग्रुप बट पर्सनल आपके में चैट में भेजा है। सर आपको आवाज आ रही है? मैं तो तैयार नहीं था। मैटर ये तो है ही नहीं है, आप उसको पकड़े बैठे हो कि भैया मेरे को तो अटैक आ गया था, एक क्लास की हो गई, तो अब मैं ये स्टैटिन नाम की दवाई खाऊंगी चाहे कुछ भी हो चाहे। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे सब कुछ शेयर कर दिया है स्टैटिन से रिलेटेड, जो तो आपको वहां से सब जानकारियां लिंक्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये कि बहुत बड़ा बिजनेस है इको स्ट्रेंथ लाना और खाना, इसलिए कोई भी सच्चाई सामने नहीं आ सकती है, क्योंकि यदि ऐसा सामने आ जाता है तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान, तो ऐसा कोई नहीं चाहता किसी का नुकसान। आदमी की लाइफ सबसे सस्ती होती है, वो मजा तो देना, क्योंकि इंसानों से तो पृथ्वी नष्ट हो ही रही है, और उसमें कहीं किसी को भी तकलीफ नहीं होती। घर वाले भी सोचते हैं कि चलो एक आदमी बुजुर्ग रुका है, और देश वाले भी सोचते हैं कि चलो आबादी कुछ तो कम, इसलिए व्यापारिक नुकसान नहीं होना चाहिए, जान जाता है तो। अब आप स्टेटिन आएंगे तो आपको थोड़ी सी जानकारी के साथ, योर लिबर्टी ऑफ इग्नोरेंस इज टेकन अवे। अब आप उसको थोड़ा सा जान के खाएंगे कि हम तो मना कर रहे तो अभी किसी, हाँ आरती अग्रवाल जी आप बिल्कुल 5 बजने का इंतजार कर रहे थे। नहीं अभी बस जस्ट एप्पल खाने गए, वो देखा ना वो वैक्स रहता है उसके ऊपर छिलके पे, तो छिलका रिमूव करके खाए एप्पल की, कैसे अभी बाहर की सेव आ रही है, रियल सेव नहीं है। पुराना एप्पल होता है ना, 1 साल पुराना, हाँ, या जिस भी फ्रूट को ना बहुत दिन तक रखना है उसकी शेल्फ लाइफ से आगे, तो हम उस पर वैक्स लगाते हैं। वही तो उसका छिलका रिमूव करके खाएं कि कैसे? वो पुराना फल खाने ही नहीं है ना, खाना नहीं, ताजे मीठे रसीले फल एप्पल नहीं खानी है, रसी वैक्स फल नहीं खाने। एक स्टडी और है, एप्पल के छिलके से कैंसर खत्म हो जाता, और जनरली जो लोग मतलब कैंसर पेशेंट्स जो है उनकी हिस्ट्री में यदि अपन देखें तो हमेशा एप्पल छिलका छील के ही खाते हैं लोग। यदि आपके आसपास कोई कैंसर पेशेंट हो उससे पूछना भाई एप्पल कैसे खाते थे,
हो गया। एप्पल तो मैंने हमेशा छील के खाया है, कभी उसका कोई नुकसान मैंने हुआ नहीं। वो नुकसान क्या नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, एप्पल के छिलके से ही कैंसर खत्म। तो ये रिसर्च है, पब्लिश रिसर्च है कि कैंसर, वो कैंसर सेल्स जो है एप्पल के छिलके से डिस्ट्रॉय होते। अब भले ही एप्पल के छिलके पे कीटनाशक स्प्रे है, उस आपने उस कीटनाशक से बचने के लिए छिलका हटा दिया, तो कीटनाशक तो अंदर तक गया है, लेकिन एप्पल की ताकत तो छिलके में ही थी जो आप फेंक के आए हो, उसके अलावा एप्पल में कुछ नहीं। तो एप्पल यदि खाना है वैक्स लगा हुआ तो वैक्स के साथ ही खाना, गर्म पानी से धो ले। जरूरत क्या, ताजे फल खाओ ना, आप ले आए हो तो किसी को दे दो। एप्पल नहीं खाने है तब, एप्पल जब सीजन आ जाए, आ जाए एप्पल सीजन का, तब आप पुराने मासी एप्पल। अब तो पिछले साल के एप्पल बिक नहीं रहे होंगे ना, फ्रूट वालों के भी वो बड़बड़ा रहे कि नए आने वाले हैं, पुराने का स्टॉक खत्म नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सर जैसे प्लम एंड पीचेस वगैरह आते हैं वो तो सीजन में ही आते हैं, पर उनके ऊपर भी बहुत पाउडरी सब्सटेंस वगैरह लगा होता है ना, एकदम जैसे पहले हम लोगों ने बचपन में खाए उस तरह का तो लुक नहीं होता है अभी, तो उनको कैसे क्लीन करें? वो पाउडरी इसलिए लगाया जाता है कि उसमें यदि मॉइस्चर आ जाए तो मॉइस्चर से वो खराब हो जाते हैं। यदि हल्का सा भी प्लम्स पे मॉइस्चर होगा तो वो खराब हो जाए। तो मतलब कोई औचित्य नहीं है यदि उसका छिलका खाने लायक, छीलना नहीं चाहिए ना इनको, यू नहीं धोके खा सकते। हेलो सर, कल्पना देसाई। हाँ जी, कल्पना बोल रही थी सर। सर अभी जैसे ना वाटरमेलन कभी कभी खराब निकलता है, अभी मैंगो की सीजन तो है, अगर दो तीन बार मील्स में अगर हम मैंगो ही ले लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम तो आपको ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, यदि आपको नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब ऑप्शंस में बस ये मेलन वाटरमेलन है, और वाटरमेलन कभी कभी बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा खराब सा निकलता है, उसको खा के फिर पेट में स्टमक में पेन होने लगता है, और मैंगो तो निकल जाए तो नहीं खाना, और सही निकल जाए तो खा लो। ओके, लेकिन सर अगर जैसे मैंगो ही अगर मैं आपको बताऊं, वाटरमेलन मिलता अपने को पूरे 12 महीने। अच्छा, अभी एक वाटरमेलन चला गया, जो अभी चल रहा था, अभी दूसरी वैरायटी अभी आज आ गई है मार्केट में, वो बैंगलोर से आता है। यस सर, वो ये लोग यही कह रहे हैं, बैंगलोर वाला है। हाँ, तो बैंगलोर वाला आ गया होगा तो वो आप खा के देख लो। ओके ओके सर, वैसे वरना भी मैं बीच में 4-5 दिन से ऐसे ही कर रही थी कि 2-3 मील्स मेरी मैंगो की हो रही थी, मतलब मैं 10-12 मैंगोज में आराम से पूरे दिन में खा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन मैंने कहा आपसे पूछ लूं एक बार कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो। अरे वो प्रॉब्लम नहीं हो रही तो बढ़िया है। ठीक है सर। सर और एक चीज शेयर करनी थी सर, जैसे मैंने अभी नोटिस किया अपनी बॉडी में कि मेरी पूरी स्किन, जैसे सर काफी मेरा ऑपरेशन सर्जरी हुई थी मतलब मेरा बेबी के बाद में, तो काफी स्किन में सैगिंग हो गई थी, काफी लटक सी गई थी, तो मैंने पूरा देखा मतलब पूरी बॉडी की स्किन एकदम। यस सर, हाँ हाँ बोलिए सर। पूरी स्किन टाइट होती है ना सर, हेड टू टो
स्किन टाइट हो चुकी है और जैसे मुझे कभी स्वेटिंग नहीं होती थी, कभी भी मतलब कितनी भी गर्मी हो मुझे स्वेटिंग होती ही नहीं थी। इस बार मैं देख रही हूँ कि मुझे स्वेटिंग मतलब गर्मी है ना, मैं देहरादून में हूँ तो इतनी गर्मी नहीं जैसे यूपी में रहती है, लेकिन फिर भी सर स्वेटिंग हो रही है मुझे। तो ये दो चेंजेस मैंने अभी रिसेंटली नोटिस किए और मतलब आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर दिस। बहुत बहुत बधाई। यस सर। सर अब 40 मतलब ऐसे तो मुझे मैंने फोर्थ को स्टार्ट किया था, मतलब मुझे राउंड अबाउट 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन 5-6 दिन सर मेरा हो गया था, 1 मील मैंने बीच बीच में ले ली। तो मतलब राउंड अबाउट चलूं ना, मैं तो ऐसे पहचान ही नहीं पाता। अच्छा सर, एक मिनट सर, आप पहचान रहे हाँ, क्या होता है कि शक्ल देखते हो ना तो याद रहता है। यस सर, यस सर। सर तो काफी मतलब फोर्थ को स्टार्ट किया था, 4th of May को, तो अभी मतलब काफी दिन हो गए, मतलब 30 मतलब एक महीने से ऊपर ही हो गया, लेकिन बीच में सर 3-4 दिन खा लिया, 4-5 दिन खा लिया होगा बस एक एक मील ही, तो ये है, लेकिन काफी फर्क है हर चीज में। ये है बस जीवन आपका बदल रहा। हाँ यस सर। सर अब छोड़ना नहीं है, बस आपकी जो बातें होती है सर, वीडियोस वगैरह सुनते रहते तो मोटिवेशन रहता है, और सर मतलब ये होता है कि कभी गलत रास्ते पे चले भी जाते हैं तो फिर वापस बैक उसी वाले पे आ जाते हैं कि नहीं वापस आना है, तो कभी रुक भी रहे तो आगे बढ़ते जा रहे हैं टॉर्टोइस की स्पीड में। ये है सर, सही बात है। ऑटो को करेक्ट मोड पर आ गए तो अपने आप ही करेक्शन हो जाता है। सही है, सही है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका अपना अनुभव शेयर करने के लिए। यस सर। सर अभी 2-3 दिन में सोच रही हूँ कि वो अपनी रिपोर्ट्स करवा लूँ, मतलब विटामिन डी और वो तो मुझे लग रहा है आयरन बढ़ गया है बस, बाकी हस्बैंड जो है वो उनको मैं वो नहीं कर पा रही हूँ चेंज, वो कह रहा है कि जब तुम बीमार पड़ोगी ना तब देखेंगे, तो मेरे को वही है कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ ताकि उसको रिजल्ट दिखाऊं कि देखो जो तुम कर रहे हो वो गलत है, ये दिस इज राइट ओनली, तो उनको चेंज कर पाऊँ। और डॉटर को भी मैं 2 मील्स अब मेरा फ्रूट्स ही रहता है और एक ही मील वो कुक्ड मील खाती है, और सर बहुत छोटी है, 6 ईयर्स की है, तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर इतने छोटे बच्चे को हम एक ही टाइम कुक्ड मील दे रहे हैं, 2 टाइम फ्रूट दे रहे हैं, तो उसके लिए बेटर है आप इतना फ्रूट दोगे क्योंकि आपने तो बचपन में नहीं खाया ना पूरे 2 टाइम फ्रूट मील और 1 टाइम। नो सर, नो सर, नहीं खाया। खराब है, जरूरी नहीं है कि हम बीमार पड़े उसके बाद फ्रूट खाएं, हम पहले भी यदि फ्रूट खाएंगे तो हम और बेटर बनेंगे। ठीक है सर। सर एक चीज मैंने उसके अंदर नोटिस करी, जैसे मैं उसको पहले फ्रूट दे देती हूँ ना, तो क्या हो रहा है अब वो जब वो कुक्ड मील खाती है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी कुक्ड मील खा लेती है, वरना उसको 1-1.5 घंटा लगता था एक रोटी खाने में, छोटी है लेकिन उसको 1-1.5 घंटा लगता है, लेकिन अब जब से मैं उसको फ्रूट देना शुरू किया 15-20 दिन हो गए, तो वो कुक्ड मील आराम से खाती है, मतलब 10 मिनट्स के अंदर वो रोटी चू करके अच्छे से खत्म कर देती है, पहले उसमें उसको बहुत लेथार्जी आती थी खाने में, लेकिन जैसे फ्रूट से शायद उसको भूख उसकी हंग्रीनेस बढ़ जाती है, क्या होता है आप कहती थी खाओ, हाँ बैठी रहती थी लेके टीवी या मोबाइल चला देते हो आप। नो सर, ये तो मैंने आदत डाली नहीं, मोबाइल टीवी के बिना ही खाना खाती है जनरली, देखा है लोग टीवी हाँ। मोबाइल चला देते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं टीवी देखते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं 1 घंटा लंच चलता। ठीक है सर। और एक ही चीज है कि जैसे ना अब जैसे हम लोग बड़े हैं तो हम मेलन्स भी खाते हैं, वाटर मेलन्स भी खाते हैं, प्लम्स भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, एप्रिकॉट भी खा लेते हैं, जैसे डॉटर है वो छोटी है तो वो इतना सारी चीजें नहीं खा पाती है, बस वो मैंगो प्रेफर करती है और एप्पल प्रेफर करती है, लेकिन अभी आप एप्पल के लिए बोल रहे थे कि एप्पल में ये प्रॉब्लम है, तो फिर अब क्या करें, एप्पल नहीं दे, बनाना खाती है और मैंगो जैसे वो भी मेरे साथ 2-2 मतलब 4 मैंगोज मैं उसको दे देती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, मैंगोस जो बनानास का मैंगोस का सीजन आ गया है, बनानास का भी अब सीजन आ रहा है। यस सर। तो हाँ ठीक है। और सर जैसे एप्पल, अब एप्पल जैसे आपकी बात सुनी है तो एप्पल नहीं दूं फिर उसको? नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है तो गौरव जी एक सवाल आखिरी का, अगर मान लो भूखी लग तो क्या प्रिफर करना चाहिए, अगर खाने का मन हो रहा है तो फिर मैंने खाना चाहिए कि मैंने नारियल पानी पीना चाहिए? ट्रस्ट ऑन योर माइंड, ट्रस्ट ऑन योर बेसिक इंस्टिंक्ट। ओके। मन में ऐसे सोचो कि मैं नारियल पानी पीना है या आपको अंदर से आवाज आए यस नारियल पानी पीना, पी जाओ। ओके ओके, थैंक यू गौरव, शुक्रिया आपका बहुत।
ठीक है, तो शिव गुप्ता जी आप कैमरा ऑन कर लिया है, बताइए। गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया चल रहा सर, आज मेरा 13वां दिन है, अच्छे से डाइट ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में एनर्जी डाउन हो जाती है तो बस लेट जाता हूँ बस। और कल सर मुझे 4 बजे मैंने वो खाया था खरबूजा, उसके बाद हल्का सा पेट दर्द हुआ, देन आई रश टू द वॉशरूम एंड सर फिर बहुत अच्छे से मेरा स्टमक क्लियर हुआ। गौरव जी और एक सवाल की मेरी नीज का थोड़ा, अगर ये डिटॉक्स में रोज चेक करना पड़ेगा शुगर की ना करूं, क्योंकि नॉर्मली उसका 300 के आसपास आता है बिना चेक किए, बिना दवाई के। आपकी नीज आपके घर पे रहती है? हाँ घर पे रहती है। आपके घर पे रहती है? नहीं, तो वो खुद ही करेगी ना जो करना है। अच्छा ओके गौरव, ठीक है। You can't control, है ना? हाँ। तो बड़ी है कि 5-6 साल की है? नहीं बड़ी नहीं, 22-23 साल की है ना, ग्रो ना पहले। आप हर चीज हर व्यक्ति को कंट्रोल मत करो, आप खुद को देखो। ओके गौरव। अभी आपको खुद के लिए समझ में नहीं आता, फिर आप दूसरे के लिए सोचते हो। ठीक है गौरव। You are not the right person to advise anybody. You should focus on your healing journey. Actually, वो रोज चेक नहीं करती गौरव जी शुगर। Whatever she does, you are not the right person. यदि वो उसको डॉक्टर के पास जाना है उसको जाने दो, उसको जो करना है करने दो, आप उसके लिए नहीं कर सकते हो कुछ भी। Okay, आप अपने लिए इतना कंफ्यूज हो, आप दूसरे के लिए कैसे करोगे? बिल्कुल। ओके गौरव, थैंक यू। सर हाजी, सर नमस्ते, मेरा 50 दिन सर आज का। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू सर। हाँ सर, मेरा दर्द में फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बाकी का कुछ मेरा स्किन ग्लो हो रहा है, स्किन में रैशेस था वो कम हो रहा है, थोड़ा एनर्जी थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा काम करने का मन आ रहा है, पहले काम करने का मन नहीं आता था, अभी काम करने का मन आता है। ये नहीं है कि जो वरदान जैसे हम सोचते हैं ना कि पहले हमें दर्द ठीक हो जाए, और दर्द सीधा ठीक हो गई, हमें ये तो सोचते नहीं कि हमें काम करने का अच्छा मेरा स्किन ग्लो करे, ये तो हमें। हाँ सर वो सोचा नहीं था, वो मैं मेरा फोकस पूरा दर्द के ऊपर था, पाँव में दर्द है, चल नहीं रहा हूँ, इसी के ऊपर फोकस था, अभी दूसरा पूरा रिजल्ट आ रहा है, मेरा दर्द में तो फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा पाँव में फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी जगह में कम है सर, कम लग रहा है दर्द, मेरे गले में दर्द था, कमर में दर्द था, हाथों की उंगली में दर्द था, वो थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन दोनों पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है सर, आप पैर नीचे नहीं रख सकते, उठ के जल्दी चल नहीं सकता, थोड़ा देर लगता है, 10 मिनट लगता है चलने के लिए, उसके बाद में थोड़ा सा हल्का होता है, बाद में फिर दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, दोनों अंकल में अभी ज्यादा दर्द हो रहा है सर, बाकी का तो कम हो गया पूरा। सर तो ये बताता है कि वो पार्ट है ना बॉडी का, तो जहाँ दर्द हो रहा है, थक रहे हैं ना, दर्द इज अ मैसेज टेल यू टू टेक एक्शन। एक्शन क्या है? कि एक्शन नहीं है, ठीक है? तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत
विनोद जी आपके सुनिए, थैंक यू सर, चार दिन क्या आपके सर मेरा सिर में, पहले सिर में दर्द होता था, दर्द भी कम हो गया सिर में दर्द, और अंगर भी उतना नहीं हो रहा है पहले जैसा, पहले बहुत अंगर होता था, अभी अंगर भी कम हो गया, सिर में दर्द भी नहीं है, अच्छा लग रहा है सर, थोड़ा सा दर्द कम हो गया तो बस बहुत अच्छा होगा, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, हुआ है तो आगे भी होगा, हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। गौरव जी अगर इमरजेंसी इमरजेंसी आए तो होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब लाइफ, उस समय आपको आसपास के पड़ेगी और यू शुड कॉल एंड शिफ्ट टू द हॉस्पिटल। ओके गौरव जी, पहले से ही बात करके इमरजेंसी सिचुएशन को डील हॉस्पिटल में पहले से, अगर इमरजेंसी लगे तो ठीक है। हाँ गौरव जी हॉस्पिटल जाना चाहिए ना, इमरजेंसी आती तो किसको जाना चाहिए, हॉस्पिटल्स बने इसलिए। ठीक है गौरव, ओके थैंक यू गौरव, थैंक यू। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में यदि हम हैं तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि फूड डाइट जो है इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए नहीं है, फूड डाइट जो है धीरे धीरे बॉडी को हील करती है। अभी आप कहीं गिर पड़े, आपकी हड्डी टूट गई तो आपको प्लास्टर बनवाने के लिए जाना पड़ेगा, कोई ऐसी बीमारी हो गई, आपको अटैक आ गया, आपको हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक आने के बाद फल खाने से कुछ नहीं होने वाला, उस समय आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, आपको जो भी आपको बाईपास करानी है, एंजियोप्लास्टी करानी है, तो आप करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है गौरव, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, तो अभी के लिए ये सेशन हम समाप्त कर रहे हैं, ताकि कल आपसे दोबारा मिलते हैं, आप सभी लोगों का ज्वाइन करने से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल द पेशेंट वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सर।